जैक रीचर सन दो मूवी के फैक्टो डिब्यूज जैक रीचर सन दो की एवरी एक्शन ट्रेलर फिल्म है जो क्रिस्टोफोर मैकेवरी द्वारा लिखित तो और निर्देशित है जिसमें टॉम क्रूज ने अभिनय किया है और यह ली चार ले सन दो के उपन्यास वन सोट पर आधारित है क्रूज के शीर्षक चरित्र को चित्रित किया है और शाहक कलाकारों में रोसमंड पाइक वर्नर हाजो रॉबर्ट डूवेल डेविड ओयोवो लीचर जेकिंग और जे क्रिटनी शामिल हैं फिल्म का निर्माण अक्टूबर सन दो में शुरू हुआ है और जनवरी सन दो में पूरा हुआ है इसे पूरी तरह से बग पेल्वेंसिया के स्थान पर फिल्माया गया था संगीत इसको जो ग्रेमर द्वारा रचा गया था जो हॉलीवुड स्टूडियो सिंफनी द्वारा प्रस्तुत किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक हैं क्रिस्टोफर मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफॉर मैक्वेरी है फिल्म ली चाइल्ड द्वारा एक शॉट पर आधारित है इस फिल्म को उत्पादित किया है टॉम क्रूज ने डॉन ग्रिंजेस ने पाउला वेगनर ने लैरी लिविन सोहम ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है टॉम क्रूज रोशमन पाइक वर्नर हस रॉबर्ट डूवेल डेविड ओ रिचर्ड जेनकिंग्स किंग्स जैकर्टनी ने इस फिल्म में छायाकान किया है कोलेब डिस्नेल ने यह फिल्म संपादित है केविन स्टीट द्वारा इस फिल्म को संगीत दिया है जो क्रेवर द्वारा इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काई डॉन्स प्रोडक्शंस टीसी प्रोडक्शंस यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 दिसंबर सन 2012 हज़ार बारह ऑडिशन स्टेटस एक्वायर और 21 दिसंबर सन 2012 उत्तरी अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय 130 मिनट है यह संयुक्त तरह से अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट रहा है 60 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई रही है दो मिलियन पूर्व अमेरिकी सेना सांसद जेक रिचर आमतौर पर संपर्क में आते हैं जो एक बड़े पैमाने पर गोलीबारी के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले एक प्रशिक्षित सैन्य स्नाइपर से जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है सैंडीहुक एलिमेंट्री स्कूल में गोलीबारी के बाद पेटर में फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग स्थगित कर दी गई थी फिल्म एक सप्ताह बाद इक्कीस दिसंबर सन दो को उत्तरी अमेरिका में रिलीज़ हुई जहां इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और एक बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है क्रूज के साथ जैक जैकीचर नोवर गो बैक नामक एक सीक्वल विकसित किया गया था जो सन दो के उपन्यास नेवर गो बैक पर आधारित था जो 21 दिसंबर सन दो को रिलीज हुआ था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में पीटर्सबर्ग में एक आदमी पीएनसी पार्क में अलेगिंग नदी के पास एक पार्किंग एराज में एक वैन चलाता है और मीटर की एक चौथाई गिरा देता है राइफल का उपयोग करते हुए वह गाड़ी चलाने से पहले लंबी दूरी से नदी के नॉर्थ तो सोर ट्रैक पर पांच लोगों को गोली मारता है और मार डालता है जासूस कैलविन इमरसनल के नेतृत्व में पीटर्सबर्ग पुलिस को एक साल आवरण और पार्किंग के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टर मिला है सिक्के पर एक फिंगरप्रिंट संयुक्त राष्ट्रीय अमेरिका सेना के पूर्व स्थाई पर जेम्स बर्ग का है जब पुलिस ने उसके घर छापा मारा तो उन्हें वहन राइफल के एक बर बेहोश मिले इमरशन और जिला अर्टानी इलेक्स रोडियल द्वारा पूछताछ के दौरान बर को पूर्ण या गारंटीकृत मौत की सजा के बदले जेल जेल में जीवन के बीच एक विकल्प की पेशकश की जाती है क्योंकि रोडिन ने कभी कोई केस नहीं हारा है इसके बजाय बर एक नोटपैड पर गेट ट्रैक रीचर लिखते हैं जैक रीचर एक आवारा और पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य से पुलिस स्कूल अन्वेषक और प्रमुख है वह बर्ग के बारे में प्रकाशितिक समाचार देखने के बाद पीटर बर्ग पहुंचता है इमोशंस और रोडिन के सबूत देखने के जैक के अनुरोध को अस्वीकार कर लिया है लेकिन उसे बर्रे को देखने देने पर सहमत हुए हैं जिस पर साथी कैदियों ने हमला किया था और अब कोमा में है जैक पर के बचाव वकील हैलिन रोडिन एलेक्स रोडिन की बेटी से मिलता है वह उससे कहती है कि अगर वह उसका अनवेशक होगा तो वह सबूत देख सकता है लेकिन जैक के जवाब दिया और उसे बर को मा साफ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है उन्होंने खुलासा किया कि बर इराक में अपनी ड्यूटी के दौरे के दौरान हथियारों को होड़ में लग गया था लेकिन उस पर मुकदमा नहीं चलाया गया क्योंकि बर को पता नहीं था कि उसके सैन्य ठेकेदार के, के पीड़ित हाल ही में कई महिलाओं पर हमला करने के बाद सप्ताह हाथ के उभरे थे और अमेरिकी सेना बस यही चाहती थी सारा झंझट भूल गया जैक ने कसम खाई कि यदि बर्न ने दोबारा ऐसा किया या करने की कोशिश की तो वह उसे नीचे गिरा देगा वह इस बात की जांच करने के लिए सहमत होता है कि क्या हेलेन उस दिन मारे गए लोगों के बारे में जानने के लिए पीड़ित परिवारों के मिलने जाती है जैक अपराध स्थल पर जाता है और विसंगतियों पाता है एक प्रशिक्षित स्नाइपर के पास एक फोर्ट ड्यूपेन ब्रिज पर एक वैन से गोली चलाई होगी एक स्पष्ट रूप से यादृशिक बार लड़ाई से जैक को एहसास होता है कि कोई उसे अपनी जांच छोड़ने के लिए मजबूर करने का प्रयास कर रहा है जब हेलिन ने जैक को पीड़ितों के बारे में अपने निष्कर्ष बताए तो उसने सुझाव दिया कि स्थानीय निर्माण कंपनी आलोयन आर्चर का मालिक असली लक्ष्य था जबकि अन्य पीड़ितों ने कवरअप के रूप में कोई काम किया है बाद में जैक को उस युवती की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था जिसे विवाद को भड़काने के लिए भुगतान किया गया था जैक अंततः पूर्व यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्पस नगरी सचेट मार्टिन केस के स्वामित्व वाले पड़ोसी आहुहयोग के एक शूटिंग रेंज की तलाश में है असली अपराधी एक कुर निर्माण कंपनी के लिए काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व एक पूर्व सोवियत कैदी कर रहा है जिसे जैक चेलोवेक के नाम से जाना जाता है गिरोह के जासूस इमर्शन की सहायता से हेलेन का कर लिया उसे एक खदान के बंधक बना लिया है जैक का सामना करने से पहले जैक ने कैश को मदद के गुड़गे का आमर्शन में मार डाला है जैक बताते हैं कि जैक ने उन सभी को मार डाला है जो उसके खिलाफ गवाही दे सकते हैं और संदेह है कि दोषी ठहराया जाएगा जबकि यह भी कहा गया था कि साइबेरियो ने उसकी पिछली कैद की तुलना में अमेरिकी जेल आशंस होगी आश्वस्त होकर जैक ने उसके सिर में गोली मार दी है जब बरकुमा में जागता है तो वह हेलेन से कहता है कि उसे अपराध की कोई याद नहीं है लेकिन उसका मानना है कि वह दोषी होगा बर का मानसिक पुनर्निर्माण की उसने गोलीबारी कैसे की होगी जैक के सिद्धांत से, से मेल खाता है पश्चाताप करने वाला बर जिम्मेदारी और सजा दोनों स्वीकार करने को तैयार है हालांकि हेलेन को विश्वास है कि उसे बरी कर दिया जाएगा इसी बीच बस में बैठा जैक एक आदमी को एक युवा महिला को मौके को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हुए सुनता है उससे भिड़ने के लिए उठता है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में जैक टीचर्स के रूप में टॉम क्रूज हैं जो पूर्व संयुक्त राष्ट्रीय हेलन रोड बुर के बचाव वकील और डी रोडिन की बेटी के रूप में मौसमन पाइक है जिला आर्टानी एलेक्स रोडिन के रूप में रिचर्ड जैकिंस है जैक चिलोवे के रूप में वर्नर हजोक हाँ है पिट्सबर्ग पुलिस जासूस कैल्विक इवोस के रूप में डेविड ओलावू है चार्ली के रूप में जैक कर्टनी है जेम्स मार्क बर्ग के रूप में जोसेफ शिकोरा एक पूर्व संयुक्त राज्य शैना स्नाइपर की हत्याओं का मुख्य संदिग्ध है मार्टिन केस के रूप में रॉबर्ट डुविल है एक पूर्व यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉम्प्रेस कंड्रीसोर आयो बंदूक की दुकान के मालिक माइकल रेमंड जेम्स लिस्की के रूप में है जेब ऑलिवर के रूप में जोस हेलमिन है श्री के रूप में एलेक्सिया फॉर्स्टेड है रोप कैरियर के रूप में जेम्स मॉर्टिन कैली है नैन्सी होल्ट के रूप में निकोल फॉरेस्टर है विस्कले के रूप में स्कोटे मॉर्टिन है लेखक ली चाइल्ड की जैक लीचर उपन्यास श्रृंखला को एक फिल्म में रूपांतरित करने का प्रयास नाइनटीन नाइनटी सेवन के क्लिंग फ्लॉर के चरित्र की शुरुआत के बाद किया गया है पॉलीग्राम के बाद में न्यूलैंड सिनेमा में कोई सफलता नहीं मिलने के बाद पैरामाउल पिक्चर्स और क्रूज फेगनॉर प्रोडक्शंस ने सन 2005 में फिल्म का अधिकार हासिल कर लिया है इसके बाद पटकथा लेखक जोस ऑल्शंस को चाइल्ड के सबसे हालिया उपन्यास को अनुकूलित करने के लिए काम पर रखा गया है रिचर सीरीज वंश शोर दो जुलाई सन 2010 में क्रिस्टोफोर मैक्वेरी जिन्होंने पहले सन दो की फिल्म वालकिरी में क्रूज वेगनॉर प्रोडक्शंस के साथ सहयोग किया था वे ऑलसन के स्क्रिप्ट पर फिर से काम करने को अंतर फिल्म का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं जून सन दो में रैक जेक रिचर्स की भूमिका निभाने के लिए टॉम क्रूज से बातचीत चल रही थी अगले महीने क्रूज ने स्टूडियो के साथ एक सौदा किया था और उस भूमिका के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं उपन्यास श्रृंखला के कुछ प्रशंसक अभिनेता की ऊंचाई पाँच सात उपन्यास के रीचर्स की ऊंचाई छः पाँच की मेल खाने के कारण क्रूस की कॉस्टिंग पर मुखर हो गए हैं क्रॉस्टिंग निर्णय के बारे में बताते हुए लेखक ली चाइल्ड ने कहा कि विशाल रीचर की भूमिका निभाने के लिए किताब की भावना को स्क्रीन पर फिर से बनाने के लिए एक आयुक्त अभिनेता ढूंढना असंभव होगा और क्रूज के पास एक प्रभावी बनाने की प्रतिभा थी पहचानने वाला चाइल्ड ने यह कहा कि किताबों का रीचर का, का रूप है जिसे क्रूज अपने तरीके से चित्रित करता है क्रूज ने अपेक्षाकृत छोटे कद के बारे में चार्ली ने कहा कि किसी अन्य अभिनेता के साथ उसको हंड्रेड परसेंट ऋचाई मिल सकती है लेकिन जैक रीचर सन दो हजार बारह की एमरी एक्शन ट्रेलर फिल्म है जो क्रिस्टोफोर मैकेवरी द्वारा लिखित तो और निर्देशित है जिसमें टॉम क्रूज ने अभिनय किया है और यह ली चार ले सन दो के उपन्यास वंशोट पर आधारित है क्रूज के शीर्षक चरित्र को चित्रित किया है और शाहक कलाकारों में रोसमंड पाइक वर्नर हाजो रॉबर्ट डूवेल डेविड ओयोवो लीचर जेकिंग और जे क्रिटनी शामिल हैं फिल्म का निर्माण अक्टूबर सन दो में शुरू हुआ है और जनवरी सन दो में पूरा हुआ है इसे पूरी तरह से पिटशरबग पेलवेंसिया के स्थान पर फिल्माया गया था संगीत इसको जो ग्रेमर द्वारा रचा गया था जो हॉलीवुड स्टूडियो सिम्फनी द्वारा प्रस्तुत किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है क्रिस्टोफर मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने है फिल्म ली चाइल्ड द्वारा एक शॉट पर आधारित है इस फिल्म को उत्पादित किया है टॉम क्रूज ने डॉन ग्रींस ने पाउला वेगनर ने लैरी लिविन सोहम ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है टॉम क्रूज रोशमन पाइक वर्नर हस रॉबर्ट डूवेल डेविड ओ लवो रिचर्ड जेनकिंग्स किंग्स जैकनी ने इस फिल्म में छायाकान किया है कोलेप डिस्नेल ने यह फिल्म संपादित है केविन स्टीट द्वारा इस फिल्म को संगीत दिया है जो क्रेमर द्वारा इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काई डॉन्स टीसी प्रोडक्शंस यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 दिसंबर सन 2012 हज़ार बारह ऑडिशन लियोस्टेटस एक्वायर और 21 दिसंबर सन 2012 उत्तरी अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय 130 मिनट है यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट रहा है 60 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई रही है दो मिलियन पूर्व अमेरिकी सेना सांसद जेक रिचर आमतौर पर संपर्क में आते हैं जो एक बड़े पैमाने पर गोलीबारी के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले एक प्रशिक्षित सैन्य स्नाइपर से जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है सैंडीहुक एलिमेंट्री स्कूल में गोलीबारी के बाद पेटर में फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग स्थगित कर दी गई थी फिल्म एक सप्ताह बाद 21 दिसंबर सन 2012 को उत्तरी अमेरिका में रिलीज़ हुई जहां इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और एक बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है क्रूज के साथ जैक रिचर नोवर गो बैक नामक एक सीक्वल विकसित किया गया था जो सन 2013 के उपन्यास के गो बैक पर आधारित था जो 21 दिसंबर सन दो को रिलीज हुआ था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में पीटर्सबर्ग में एक आदमी पीएनसी पार्क में अलेगिंग नदी के पास एक पार्किंग एराज में एक वैन चलाता है और मीटर की एक चौथाई गिरा देता है राइफल का उपयोग करते हुए वह गाड़ी चलाने से पहले लंबी दूरी से नदी के नॉर्थ तो सोर ट्रैक पर पांच लोगों को गोली मारता है और मार डालता है जासूस कैलविन इमर्शनल के नेतृत्व में पीटर्सबर्ग पुलिस को एक साल आवरण और पार्किंग के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टर मिला है सिक्के पर एक फिंगरप्रिंट संयुक्त से अमेरिका सेना के पूर्व स्थाई पर जेम्स बर का है जब पुलिस ने उसके घर छापा मारा तो उन्हें वह राइफल के एक बर बेहोश मिले इमरशन और जिला अर्टानी इलेक्स रूडियल द्वारा पूछताछ के दौरान बर को पूर्ण या गारंटीकृत मौत की सजा के बदले जेल जेल में जीवन के बीच एक विकल्प की पेशकश की जाती है क्योंकि रोडिन ने कभी कोई केस नहीं हारा है इसके बजाय भर एक नोटपैड पर गेट रैक रीचर लिखते हैं जैक रीचर एक आवारा और पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य से पुलिस स्कूल अन्वेषक और प्रमुख है वह बर्ग के बारे में प्रकाशितिक समाचार देखने के बाद पीटर सर्वर पहुंचता है इमोशंस और रोडिन के सबूत देखने के जैक के अनुरोध को अस्वीकार कर लिया है लेकिन उसे बर्रे को देखने देने पर सहमत हुए हैं जिस पर साथी कैदियों ने हमला किया था और अब कोमा में है जैक पर के बचाव वकील हैलिन रोडिन एलेक्स रोडिन की बेटी से मिलता है वह उससे कहती है कि अगर वह उसका अनवेशक होगा तो वह सबूत देख सकता है लेकिन जैक जवाब दिया और उसे बर को मा साफ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है उन्होंने खुलासा किया कि बर इराक में अपनी ड्यूटी के दौरे के दौरान हथियारों को होड़ में लग गया था लेकिन उस पर मुकदमा नहीं चलाया गया क्योंकि बर को पता नहीं था कि उसके सैन्य ठेकेदार के, के पीड़ित हाल ही में कई महिलाओं पर हमला करने के बाद सप्ताह हाथ के उपरे थे और अमेरिकी सेना बस यही चाहती थी सारा झंझट भूल गया जैक ने कसम खाई कि यदि बर्ड ने दोबारा ऐसा किया या करने की कोशिश की तो वह उसे नीचे गिरा देगा वह इस बात की जांच करने के लिए सहमत होते हैं कि क्या हेलेन उस दिन मारे गए लोगों के बारे में जानने के लिए पीड़ित परिवारों के मिलने जाती है जैक अपाध स्थल पर जाता है और विसंगतियों पाता है एक प्रशिक्षित स्नाइपर के पास एक फोर्ट ड्यूपेन ब्रिज पर एक वैन से गोली चलाई होगी एक स्पष्ट रूप से यादृशिक बार लड़ाई से जैक को एहसास होता है कि कोई उसे अपनी जात छोड़ने के लिए मजबूर करने का प्रयास कर रहा है जब हेलिन ने जैक को पीड़ितों के बारे में अपने निष्कर्ष बताए तो उसने सुझाव दिया कि स्थानीय निर्माण कंपनी आलोयन आर्चर का मालिक असली लक्ष्य था जबकि अन्य पीड़ितों ने कवरअप के रूप में कोई काम किया है बाद में जैक को उस युवती की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था जिसे विवाद को भड़काने के लिए भुगतान किया गया था जैक अंततः पूर्व यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्पस नगरी सचेट मार्टिन के स्वामित्व वाले पड़ोसी आहुहय के एक शूटिंग रेंज की तलाश में है असली अपराधी एक कुर निर्माण कंपनी के लिए काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व एक पूर्व सोवियत कैदी कर रहा है जिसे जैक चेलोवेक के नाम से जाना जाता है गिरोह के जासूस इमर्शन की सहायता से हेलेन का कर लिया उसे एक खदान के बंधक बना लिया है जैक का सामना करने से पहले जैक ने कैश को मदद के गुड़गे का आमर्शंस में मार डाला है जैक बताते हैं कि जैक ने उन सभी को मार डाला है जो उसके खिलाफ गवाही दे सकते हैं और संदेह है कि दोषी ठहराया जाएगा जबकि यह भी कहा गया था कि साइबेरियो ने उसकी पिछली कैद की तुलना में अमेरिकी जेल आशंस होगी आश्वस्त होकर जैक ने उसके सिर में गोली मार दी है जब बर में जागता है तो वह हेलेन से कहता है कि उसे अपराध की कोई याद नहीं है लेकिन उसका मानना है कि वह दोषी होगा बर का मानसिक पुनर्निर्माण की उसने गोलीबारी कैसे की होगी जैक के सिद्धांत से, से मेल खाता है पश्चाताप करने वाला बर जिम्मेदारी और सजा दोनों स्वीकार करने को तैयार है हालांकि हेलेन को विश्वास है कि उसे बरी कर दिया जाएगा इसी बीच बस में बैठा जेक एक आदमी को एक युवा महिला को मौके को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हुए सुनता है उससे भिड़ने के लिए उठता है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में जैक टीचर्स के रूप में टॉम क्रूज हैं जो पूर्व संयुक्त राष्ट्रीय अमेरिका सैन्य पुलिस अन्वेषण और मेजर और आर्ट्रिफेक्टर हैलेन रोडिर बुर के बचाव वकील और डी रोडिन की बेटी के रूप में मौसमन पाइक है जिला आर्टानी एलेक्स रोडिन के रूप में रिचर्ड जैकिंस हैं जैक है। चिलोवे के रूप में वर्नर हजोक हाँ है पिट्सबर्ग पुलिस जासूस कैल्विक इवशंस के रूप में डेविड ओलावू है चार्ली के रूप में जैकर्टनी है जेम्स मार्कबर्ग के रूप में जोसेफ शिकोरा एक पूर्व संयुक्त राज्य सेना स्नाइपर की हत्याओं का मुख्य संदिग्ध है मार्टिन केस के रूप में रॉबर्ट डुवेल है एक पूर्व यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉम्प्रेस कंड्री सनटोर आयो बंदूक की दुकान के मालिक माइकल रेमंड जेम्स लिस्की के रूप में है जेब ऑलिवर के रूप में जोस हेलमिन है शी के रूप में एलेक्सिया फॉर्स्टेड है रूप कैरियर के रूप में जेम्स मॉर्टिन कैली है नैन्सी हॉल्ट के रूप में निकोल फॉरेस्टर है विस्कले के रूप में स्कोटे मॉर्टिन है लेखक ली चाइल्ड की जैक डीचर उपन्यास श्रृंखला को एक फिल्म में रूपांतरित करने का प्रयास 1997 नाइन्टी के किलिंग फ्लोर के चरित्र की शुरुआत के बाद किया गया है पॉलीग्राम के बाद में न्यूलैंड सिनेमा में कोई सफलता नहीं मिलने के बाद पैरामाउट पिक्चर्स और, और क्रूज फेगनॉर प्रोडक्शंस ने सन 2005 में फिल्म का अधिकार हासिल कर लिया है इसके बाद पटकथा लेखक जोस ऑल्शंस को चाइल्ड के सबसे हालिया उपन्यास को अनुकूलित करने के लिए काम पर रखा गया है रिचर सीरीज वंस शोर दो तो हज़ार पाँच जुलाई सन दो हज़ार दस में क्रिस्टोफोर मैक्वेरी जिन्होंने पहले सन दो हज़ार आठ की वालकिरी में क्रूस वेगनर प्रोडक्शंस के साथ सहयोग किया था वे ऑल्सन के स्क्रिप्ट पर फिर से काम करने को अंतत फिल्म का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं जून 2011 में रैक जेक रिचर्स के भूमिका निभाने के लिए टॉम क्रूज से बातचीत चल रही थी अगले महीने क्रूज ने स्टूडियो के साथ एक सौदा किया था और उस भूमिका के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं उपन्यास श्रृंखला के कुछ प्रशंसक अभिनेता की ऊंचाई पाँच सात उपन्यास के रीचर्स की ऊंचाई छः पांच की मेल खाने के कारण क्रूस की कॉस्टिंग पर मुखर हो गए हैं क्रॉस्टिंग निर्णय के बारे में बताते हुए लेखक ली चाइल्ड ने कहा कि विशाल रीचर की भूमिका निभाने के लिए किताब की भावना को स्क्रीन पर फिर से बनाने के लिए एक आयुक्त अभिनेता ढूंढना असंभव होगा और क्रूज के पास एक प्रभावी बनाने की प्रतिभा थी पहचानने वाला चाइल्ड ने यह कहा कि किताबों का रीचर काकार एक आजीव शक्ति का रूप है जिसे क्रूज अपने तरीके से चित्रित करता है क्रूज ने अपेक्षाकृत छोटे कद के बारे में चाल ने कहा कि किसी अन्य अभिनेता के साथ उसको हंड्रेड परसेंट ऋचाई मिल सकती है लेकिन क्या जैक रीचर सन दो की एमरी एक्शन ट्रेलर फिल्म है जो क्रिस्टोफोर मैकेवरी द्वारा लिखित और निर्देशित है जिसमें टॉम क्रूज ने अभिनय किया है और यह ली चार्ले सन दो के उपन्यास वन सोट पर आधारित है क्रूज के शीर्षक चरित्र को चित्रित किया है और शाहक कलाकारों में रोसमंड पाइक वर्नर हाजो रॉबर्ट डूवेल डेविड ओयोवो लीचर जेकिंग और जे क्रिटनी शामिल हैं फिल्म का निर्माण अक्टूबर सन दो में शुरू हुआ है और जनवरी सन दो में, में पूरा हुआ है इसे पूरी तरह से पिटरबग पेलवेंसिया के स्थान पर फिल्माया गया था संगीत इसको जो ग्रेमर द्वारा रचा गया था जो हॉलीवुड स्टूडियो सिंफनी द्वारा प्रस्तुत किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है क्रिस्टोफर मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने है फिल्म ली चाइल्ड द्वारा एक शॉट पर आधारित है इस फिल्म को उत्पादित किया है टॉम क्रूज ने डॉन ग्रीनजेस ने पाउला वेगनर ने लैरी लिविन सोहम ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है टॉम क्रूज रोशमन पाइक वर्नर हस रॉबर्ट डूवेल डेविड ओ रिचर्ड जेनकिंग्स किंग्स जैकर्टनी ने इस फिल्म में छायाकान किया है कोलेप डिसनेल ने यह फिल्म संपादित है केविन स्टीट द्वारा इस फिल्म को संगीत दिया है जो क्रेवर द्वारा इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काई डॉन्स टीसी प्रोडक्शंस यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 दिसंबर सन दो हज़ार बारह ऑडिशन स्टेटस एक्वायर और 21 दिसंबर सन दो हज़ार बारह उत्तरी अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय 130 मिनट है यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट रहा है 60 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई रही है दो मिलियन पूर्व अमेरिकी सेना सांसद जेक रिचर और आमतौर पर संपर्क में आते हैं जो एक बड़े पैमाने पर गोलीबारी के लिए ज़िम्मेदार माने जाने वाले एक प्रशिक्षित सैन्य स्नाइपर से जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल में गोलीबारी के बाद पेटर में फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग स्थगित कर दी गई थी फिल्म एक सप्ताह बाद 21 दिसंबर सन 2012 को उत्तरी अमेरिका में रिलीज़ हुई जहां इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और एक बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है क्रूज के साथ जैकीचर नोवर गो बैक नामक एक सीक्वल विकसित किया गया था जो सन दो के उपन्यास नेवर गो बैक पर आधारित था जो 21 दिसंबर सन दो को रिलीज हुआ था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में पीटर्सबर्ग में एक आदमी पीएनसी पार्क में नदी के पास एक पार्किंग में एक वैन चलाता है और मीटर चौथाई गिरा देता है राइफल का उपयोग करते हुए वह गाड़ी चलाने से पहले लंबी दूरी से नदी के नॉर्थ तो सोर ट्रैक पर पांच लोगों को गोली मारता है और मार डालता है जासूस कैलविन इमर्शनल के नेतृत्व में पीटर्सबर्ग पुलिस को एक साल आवरण और पार्किंग के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टर मिला है सिक्के पर एक फिंगरप्रिंट संयुक्त से अमेरिका सेना के पूर्व स्थाई पर जेम्स बर का है जब पुलिस ने उसके घर छापा मारा तो उन्हें वहन राइफल के एक बर बेहोश मिले इमर्शन और जिला अर्टानी इलेक्स रूडियल द्वारा पूछताछ के दौरान बर को पूर्ण या गारंटीकृत मौत की सजा के बदले जेल जेल में जीवन के बीच एक विकल्प की पेशकश की जाती है क्योंकि रोडिन ने कभी कोई केस नहीं हारा है इसके बजाय पर एक नोटपैड पर गेट ट्रैक रीचर लिखते हैं जैक रीचर एक आवारा और पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य से पुलिस स्कूल अन्वेषक और प्रमुख है वह बर् के बारे में प्रकाशित प्रकाशितिक समाचार देखने के बाद पीटसरबर्ग पहुंचता है इमर्शन और रोडिन के सबूत देखने के जैक के अनुरोध को अस्वीकार कर लिया है लेकिन उसी बर्रे को देखने देने पर सहमत हुए हैं जिस पर साथी कैदियों ने हमला किया था और अब कोमा में है जेक पर के बचाव वकील हैलिन रोडिन एलेक्स रोडिन की बेटी से मिलता है वह उससे कहती है कि अगर वह उसका अनवेशक होगा तो वह सबूत देख सकता है लेकिन जैक के जवाब दिया और उसे बर को माँ साफ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है उन्होंने खुलासा किया कि बर इराक में अपनी ड्यूटी के दौरे के दौरान हथियारों को होड़ में लग गया था लेकिन उस पर मुकदमा नहीं चलाया गया क्योंकि बर को पता नहीं था कि उसके सैन्य ठेकेदार के, के पीड़ित हाल ही में कई महिलाओं पर हमला करने के बाद सप्ताह हाथ के उपरे थे और अमेरिकी सेना बस यही चाहती थी सारा झंझट भूल गया जैक ने कसम खाए कि यदि बर्ड ने दोबारा ऐसा किया या करने की कोशिश की तो वह उसे नीचे गिरा देगा वह इस बात की जांच करने के लिए सहमत होते हैं कि क्या हेलेन उस दिन मारे गए लोगों के बारे में जानने के लिए पीड़ित परिवारों के मिलने जाती है जैक अपराध स्थल पर जाता है और विसंगतियों पाता है एक प्रशिक्षित स्नाइपर के पास एक फोर्ट ड्यूपेन ब्रिज पर एक वैन से गोली चलाई होगी एक स्पष्ट रूप से यादृशिक बार लड़ाई से जैक को एहसास होता है कि कोई उसे अपनी जात छोड़ने के लिए मजबूर करने का प्रयास कर रहा है जब हेलिन ने जैक को पीड़ितों के बारे में अपने निष्कर्ष बताए तो उसने सुझाव दिया कि स्थानीय निर्माण कंपनी आलोयन आर्चर का मालिक असली लक्ष्य था जबकि अन्य पीड़ितों ने कवरअप के रूप में कोई काम किया है बाद में जैक को उस युवती की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था जिसे विवाद को भड़काने के लिए भुगतान किया गया था जैक अंततः पूर्व यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्पस नगरी सर्चेट मार्टिन के स्वामित्व वाले पड़ोसी आहुहय के एक शूटिंग रेंज की तलाश में है असली अपराधी एक कुर निर्माण कंपनी के लिए काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व एक पूर्व सोवियत कैदी कर रहा है जिसे जैक चेलोवेक के नाम से जाना जाता है गिरोह के जासूस इमर्शन की सहायता से हेलेन का अपहरण कर लिया उसे एक खदान के बंधक बना लिया है जैक का सामना करने से पहले जैक ने कैश को मदद के गुड़गे का आमर्शन में मार डाला है जैक बताते हैं कि जैक ने उन सभी को मार डाला है जो उसके खिलाफ गवाही दे सकते हैं और संदेह है कि दोषी ठहराया जाएगा जबकि यह भी कहा गया था कि साइबेरियो ने उसकी पिछली कैद की तुलना में अमेरिकी जेल आशंस होगी आश्वस्त होकर जैक ने उसके सिर में गोली मार दी है जब बरकुआ में जागता है तो वह हेलिन से कहता है कि उसे अपराध की कोई याद नहीं है लेकिन उसका मानना है कि वह दोषी होगा बर का मानसिक पुनर्निर्माण की उसने गोलीबारी कैसे की होगी जैक के सिद्धांत से, से मेल खाता है पश्चाताप करने वाला बर जिम्मेदारी और सजा दोनों स्वीकार करने को तैयार है हालांकि हेलेन को विश्वास है कि उसे बरी कर दिया जाएगा इसी बीच बस में बैठा जेक एक आदमी को एक युवा महिला को मौके को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हुए सुनता है उससे भिड़ने के लिए उठता है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में जैक टीचर्स के रूप में टॉम क्रूज हैं जो पूर्व संयुक्त राष्ट्रीय अमेरिका सैन्य पुलिस अन्वेषण और मेजर और आर्ट्रिफेक्टर हैलिन रोडिन बुर के बचाव वकील और डी रोडिन की बेटी के रूप में मौसमन पाइक है जिला आर्टानी एलेक्स रोडिन के रूप में रिचर्ड जैकिंसन जैक जेक चलोवे के रूप में वर्नर हजोक हाँ है पिट्सबर्ग पुलिस जासूस कैल्विक इवसंस के रूप में डेविड ओलावो है चार्ली के रूप में जैकर्टनी है जेम्स मार्कबर्ग के रूप में जोसेफ शिकोरा एक पूर्व संयुक्त राज्य सेना स्नाइपर की हत्याओं का मुख्य संदिग्ध है मार्टिन केस के रूप में रॉबर्ट डुवेल है एक पूर्व यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉम्प्रेसर सेट आयो बंदूक की दुकान के मालिक माइकल रेमंड जेम्स लिस्की के रूप में है जेब ऑलिवर के रूप में जोस हेलमिन है श्री के रूप में एलेक्सिया फॉर्स्टेड है रोप कैरियर के रूप में जेम्स मॉर्टिन कैली है नैन्सी होल्ड के रूप में निकोल फॉरेस्टर है विस्कले के रूप में स्कोटे मॉर्टिन है लेखक ली चाइल्ड की जे लीचर उपन्यास श्रृंखला को एक फिल्म में रूपांतरित करने का प्रयास 1997 नाइनटी सेवन के क्लिंग फ्लॉर के चरित्र की शुरुआत के बाद किया गया है पॉलीग्राम के बाद में न्यूलैंड सिनेमा में कोई सफलता नहीं मिलने के बाद पैरामाउट पिक्चर्स और, और क्रूज फेगनर प्रोडक्शंस ने सन 2005 में फिल्म का अधिकार हासिल कर लिया है इसके बाद पटकथा लेखक जोस ऑल्शंस को चाइल्ड के सबसे हालिया उपन्यास को अनुकूलित करने के लिए काम पर रखा गया है रिचर्स सीरीज वंस शो दो तो जुलाई सन 2010 में क्रिस्टोफोर मैक्वेरी जिन्होंने पहले सन 2008 की वालकिरी में क्रूज वेगनॉर प्रोडक्शंस के साथ सहयोग किया था वे ऑल्सन के स्क्रिप्ट पर फिर से काम करने को फिल्म का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं जून सन दो में रैक जेक रिचर्स की भूमिका निभाने के लिए टॉम क्रूज से बातचीत चल रही थी अगले महीने क्रूज ने स्टूडियो के साथ एक सोना किया था और उस भूमिका के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं उपन्यास श्रृंखला के कुछ प्रशंसक अभिनेता की ऊंचाई पाँच सात उपन्यास के रीचर की ऊंचाई छः पाँच की मेल खाने के कारण क्रूस की कॉस्टिंग पर मुखर हो गए हैं क्रॉस्टिंग निर्णय के बारे में बताते हुए लेखक ली चाइल्ड ने कहा कि विशाल रीचर की भूमिका निभाने के लिए किताब की भावना को स्क्रीन पर फिर से बनाने के लिए एक आयुक्त अभिनेता ढूंढना असंभव होगा और क्रूज के पास एक प्रभावी बनाने की प्रतिभा थी पहचानने वाला चाइल्ड ने यह कहा कि किताबों का रीचर काकार एक आजीव शक्ति का रूप है जिसे क्रूज अपने तरीके से चित्रित करता है क्रूज ने अपेक्षाकृत छोटे कद के बारे में चार्ड ने कहा कि किसी अन्य अभिनेता के साथ उसको हंड्रेड परसेंट ऋचाई मिल सकती है लेकिन जैक रीचर सन दो हजार बारह की एमरी एक्शन ट्रिलर फिल्म है जो क्रिस्टोफोर मैकेवली द्वारा लिखित और निर्देशित है जिसमें टॉम क्रूज ने अभिनय किया है और यह ली चार ले सन दो के उपन्यास वन सोट पर आधारित है क्रूज के शीर्षक चरित्र को चित्रित किया है और शाहक कलाकारों में रोसमंड पाइक वर्नर हाजोर रॉबर्ट डूवेर डेविड ओयोवो लीचर जेकिंग और जे क्रिटनी शामिल हैं फिल्म का निर्माण अक्टूबर सन दो में शुरू हुआ है और जनवरी सन दो में, में पूरा हुआ है इसे पूरी तरह से पिटेशरब पेल्वेंसिया के स्थान पर फिल्माया गया था संगीत इसको जो ग्रेमर द्वारा रचा गया था जो हॉलीवुड स्टूडियो सिम्फनी द्वारा प्रस्तुत किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है क्रिस्टोफर मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने है फिल्म ली चाइल्ड द्वारा एक शोट पर आधारित है इस फिल्म को उत्पादित किया है टॉम क्रूज ने डॉन ग्रिंजिस ने पाउला वेगनर ने लैरी लिविन सोहम ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है टॉम क्रूज रोशमन पाइक वर्नर हस रॉबर्ट डूवेल डेविड ओ लवो रिचर्ड जैन किंग्स कर्टनी ने इस फिल्म में छायाकान किया है कोलेप डिसनेल ने यह फिल्म संपादित है केविन स्टीट द्वारा इस फिल्म को संगीत दिया है जो क्रेवर द्वारा इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काई डॉन्स प्रोडक्शंस टीसी प्रोडक्शंस यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 दिसंबर सन 2012 हज़ार बारह ऑडिशन स्टेटस एक्वायर और 21 दिसंबर सन 2012 उत्तरी अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय 130 मिनट है यह संयुक्त तरह से अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट रहा है 60 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई रही है दो मिलियन पूर्व अमेरिकी सेना सांसद जेक रिचर और आमतौर पर संपर्क में आते हैं जो एक बड़े पैमाने पर गोलीबारी के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले एक प्रशिक्षित सैन्य स्नाइपर से जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है हुक एलिमेंट्री स्कूल में गोलीबारी के बाद पेटर में फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग स्थगित कर दी गई थी फिल्म एक सप्ताह बाद 21 दिसंबर सन 2012 को उत्तरी अमेरिका में रिलीज़ हुई जहां इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और एक बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है क्रूज के साथ जैक लीचर नोवर गो बैक नामक एक सीक्वल विकसित किया गया था जो सन 2013 के उपन्यास नेवर गो बैक पर आधारित था जो 21 दिसंबर सन 2016 को रिलीज हुआ था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में पीटर्सबर्ग में एक आदमी पीएनसी पार्क में अलेगिंग पास एक पार्किंग में एक पार्किंग में वैन चलाता है और मीटर की एक चौथाई गिरा देता है राइफल का उपयोग करते हुए वह गाड़ी चलाने से पहले लंबी दूरी से नदी के नॉर्थ तो सोर ट्रैक पर पांच लोगों को गोली मारता है और मार डालता है जासूस कैलविन इमर्शनल के नेतृत्व में पीटर्सबर्ग पुलिस को एक साल आवरण और पार्किंग के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टर मिला है सिक्के पर एक फिंगरप्रिंट संयुक्त से अमेरिका सेना के पूर्व स्थाई पर जेम्स बर का है जब पुलिस ने उसके घर छापा मारा तो उन्हें वह राइफल के एक बर बेहोश मिले इमर्शन और जिला अर्टानी इलेक्स रोडियल द्वारा पूछताछ के दौरान बर को पूर्ण या गारंटीकृत मौत की सजा के बदले जेल जेल में जीवन के बीच एक विकल्प की पेशकश की जाती है क्योंकि रोडिन ने कभी कोई केस नहीं हारा है इसके बजाय बर एक नोटपैड पर गेट ट्रैक रीचर लिखते हैं जैक रीचर एक आवारा और पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य से पुलिस स्कूल अन्वेषक और प्रमुख है वह बर् के बारे में प्रकाशित एक समाचार देखने के बाद पीटर्स बर्ग पहुँचता है इमर्शंस और रोडिन के सबूत देखने के जैक के अनुरोध को अस्वीकार कर लिया है लेकिन उसे बर्रे को देखने देने पर सहमत हुए हैं जिस पर साथी कैदियों ने हमला किया था और अब कोमा में है जेक पर के बचाव वकील हैलिन रोडिन एलेक्स रोडिन की बेटी से मिलता है वह उससे कहती है कि अगर वह उसका अनवेषक होगा तो वह सबूत देख सकता है लेकिन जैक के जवाब दिया और उसे बर को माँ साफ़ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है उन्होंने खुलासा किया कि बर इराक़ में अपनी ड्यूटी के दौरे के दौरान हथियारों को होड़ में लग गया था लेकिन उस पर मुकदमा नहीं चलाया गया क्योंकि बर को पता नहीं था कि उसके सैन्य ठेकेदार के, के पीड़ित हाल ही में कई महिलाओं पर हमला करने के बाद सप्ताह हाथ के उभरे थे और अमेरिकी सेना बस यही चाहती थी सारा झंझट भूल गया जैक ने कसम खाई कि यदि बर्न ने दोबारा ऐसा किया या करने की कोशिश की तो वह उसे नीचे गिरा देगा वह इस बात की जांच करने के लिए सहमत होता है कि क्या हेलेन उस दिन मारे गए लोगों के बारे में जानने के लिए पीड़ित परिवारों के मिलने जाती है जैक अपराध स्थल पर जाता है और विसंगतियों पाता है एक प्रशिक्षित स्नाइपर के पास एक फोर्ट डिपे ब्रिज पर एक वैन से गोली चलाई होगी एक स्पष्ट रूप से यादृशिक बार लड़ाई से जैक को एहसास होता है कि कोई उसे अपनी जात छोड़ने के लिए मजबूर करने का प्रयास कर रहा है जब हेलिन ने जैक को पीड़ितों के बारे में अपने निष्कर्ष बताए तो उसने सुझाव दिया कि स्थानीय निर्माण कंपनी आलोयन आर्चर का मालिक असली लक्ष्य था जबकि अन्य पीड़ितों ने कवरअप के रूप में कोई काम किया है बाद में जैक को उस युवती की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था जिसे विवाद को भड़काने के लिए भुगतान किया गया था जैक अंत पूर्व यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्पस नगरी सचेट मार्टिन के स्वामित्व वाले पड़ोसी आहुहय के एक शूटिंग रेंज की तलाश में है असली अपराधी एक कुर निर्माण कंपनी के लिए काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व एक पूर्व सोवियत कैदी कर रहा है जिसे जैक चेलोवेक के नाम से जाना जाता है गिरोह के जासूस इमर्शन की सहायता से हेलेन का अपहरण कर लिया उसे एक खदान के बंधक बना लिया है जैक का सामना करने से पहले जैक ने कैश को मदद के गुड़गे का आमर्शन में मार डाला है जैक बताते हैं कि जैक ने उन सभी को मार डाला है जो उसके खिलाफ गवाही दे सकते हैं और संदेह है कि दोषी ठहराया जाएगा जबकि यह भी कहा गया था कि साइबेरियो ने उसकी पिछली कैद की तुलना में अमेरिकी जेल आश्वंस होगी आश्रत होकर जैक ने उसके सिर में गोली मार दी है जब बरकुआ में जागता है तो वह हेलेन से कहता है कि उसे अपराध की कोई याद नहीं है लेकिन उसका मानना है कि वह दोषी होगा बर का मानसिक पुनर्निर्माण की उसने गोलीबारी कैसे की होगी जैक के सिद्धांत से, से मेल खाता है पश्चाताप करने वाला बर जिम्मेदारी और सजा दोनों स्वीकार करने को तैयार है हालांकि हेलेन को विश्वास है कि उसे बरी कर दिया जाएगा इसी बीच बस में बैठा जैक एक आदमी को एक युवा महिला को मौके को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हुए सुनता है उससे भिड़ने के लिए उठता है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में जैक टीचर्स के रूप में टॉम क्रूज हैं जो पूर्व संयुक्त राष्ट्रीय अमेरिका सैन्य पुलिस अन्वेषण और मेजर और हैं। हैलेन है रोडिर बुर के बचाव वकील और डी रोडिन की बेटी के रूप में मौसमन पाइक है जिला आर्टानी एलेक्स रोडिन के रूप में रिचर्ड जैकिंस हैं जैक है। चलोवेक के रूप में वर्नर हजोक हाँ है पिट्सबर्ग पुलिस जासूस कैल्विक इमसन्स के रूप में डेविड ओयलाहू है चार्ली के रूप में जैक जैकनी है जेम्स मार्क बर्ग के रूप में जोसेफ शिकोरा एक पूर्व संयुक्त राज्य सेना स्नाइपर की हत्याओं का मुख्य संदिग्ध है मार्टिन केस के रूप में रॉबर्ट डुविल है एक पूर्व यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉम्प्रेस कनरी सनशीटोर आयो बंदूक की दुकान के मालिक माइकल रेमन जेम्स लिस्की के रूप में है जेब ऑलिवर के रूप में जोस हेलमिन है शी के रूप में एलेक्सिया फॉर्स्टेड है रूप कैरियर के रूप में जेम्स मॉर्टिन कैली है नैन्सी हॉल्ट के रूप में निकोल फॉरेस्टर है विस्कले के रूप में स्कोटे मॉर्टिन है लेखक ली चाइल्ड की जैक लीचर उपन्यास श्रृंखला को एक फिल्म में रूपांतरित करने का प्रयास नाइनटीन नाइन्टी सेवन के क्लिंग फ्लॉर के चरित्र की शुरुआत के बाद किया गया है पॉलीग्राम के बाद में न्यूलैंड सिनेमा में कोई सफलता नहीं मिलने के बाद पैरामाउट पिक्चर्स और, और क्रूज फेगनर प्रोडक्शंस ने सन 2005 में फिल्म का अधिकार हासिल कर लिया है इसके बाद पटकथा लेखक जोस ऑल्शंस को चाइल्ड के सबसे हालिया उपन्यास को अनुकूलित करने के लिए काम पर रखा गया है रिचर सीरीज वंस शोर दो तो हज़ार पाँच जुलाई सन दो हजार दस में जिन्होंने पहले सन दो हजार आठ की फिल्म वालकिरी में क्रूज वेगनॉर प्रोडक्शंस के साथ सहयोग किया था वे ऑल्सन के स्क्रिप्ट पर फिर से काम करने को फिल्म का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं जून सन दो में रैक जेक रिचर्स की भूमिका निभाने के लिए टॉम क्रूज से बातचीत चल रही थी अगले महीने क्रूज ने स्टूडियो के साथ एक सौदा किया था और उस भूमिका के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं उपन्यास श्रृंखला के कुछ प्रशंसक अभिनेता की ऊंचाई पांच सात उपन्यास के रीचर की ऊंचाई छह पांच की मेल खाने के कारण क्रूस की पर मुखर हो के बारे में बताते हुए लेखक ली चाइल्ड ने कहा कि विशाल रीचर की भूमिका निभाने के लिए किताब की भावना को स्क्रीन पर फिर से बनाने के लिए एक आयुक्त अभिनेता ढूंढना असंभव होगा और क्रूज के पास एक प्रभावी बनाने की प्रतिभा थी पहचानने वाला चाइल्ड ने यह कहा कि किताबों का रीचर का एक आजीव शक्ति का रूप है जिसे क्रूज अपने तरीके से चित्रित करता है क्रूज ने अपेक्षाकृत छोटे कद के बारे में चार्ली ने कहा कि किसी अन्य अभिनेता के साथ उसको 100 परसेंट रुचा मिल सकती है लेकिन जैक रीचर सन 2012 की एमरी एक्शन ट्रेलर फिल्म है जो क्रिस्टोफोर मैक्यवरी द्वारा लिखित तो और निर्देशित है जिसमें टॉम क्रूज ने अभिनय किया है और यह ली चार्ले सन दो के उपन्यास वन सोट पर आधारित है क्रूज के शीर्षक चरित्र को चित्रित किया है और शाहक कलाकारों में रोसमंड पाइक वर्नर हाजोर रॉबर्ट डूवेल डेविड ओयोवो लीचर जेकिंग और जे क्रिटनी शामिल हैं फिल्म का निर्माण अक्टूबर सन दो में शुरू हुआ है और जनवरी सन दो में पूरा हुआ है इसे पूरी तरह से बग पेल्वेंसिया के स्थान पर फिल्माया गया था संगीत इसको जो ग्रेमर द्वारा रचा गया था जो हॉलीवुड स्टूडियो सिम्फनी द्वारा प्रस्तुत किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक हैं क्रिस्टोफर मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने यह फिल्म ली चाइल्ड द्वारा एक शोट पर आधारित है इस फिल्म को उत्पादित किया है टॉम क्रूज ने डॉन ग्रीनजेस ने पाउला वेगनर ने लैरी लिविन सोहम ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है टॉम क्रूज रोशमन पाइक वर्नर हस रॉबर्ट डूवेल डेविड ओ रिचर्ड जेनकिंग्स जैक कर्टनी ने इस फिल्म में छायाकान किया है कोलेप डिस्नेल ने यह फिल्म संपादित है केविन स्टीट द्वारा इस फिल्म को संगीत दिया है जो क्रेमर द्वारा इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काई डॉन्स प्रोडक्शंस टीसी प्रोडक्शंस यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 दिसंबर सन 2012 हज़ार बारह ऑडिशन स्टेटस एक्वायर और 21 दिसंबर सन 2012 उत्तरी अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय 130 मिनट है यह संयुक्त तरह से अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट रहा है 60 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई रही है दो मिलियन पूर्व अमेरिकी सेना सांसद जेक रिचर आमतौर पर संपर्क में आते हैं जो एक बड़े पैमाने पर गोलीबारी के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले एक प्रशिक्षित सैन्य स्नाइपर से जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है सैंडीहुक एलिमेंट्री स्कूल में गोलीबारी के बाद पेटेशनबर्ग में फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग स्थगित कर दी गई थी फिल्म एक सप्ताह बाद 21 दिसंबर सन 2012 को उत्तरी अमेरिका में रिलीज़ हुई जहां इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और एक बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है क्रूज के साथ जैक रिचर नोवर गो बैक नामक एक सीक्वल विकसित किया गया था जो सन 2013 के उपन्यास नेवर गो बैक पर आधारित था जो 21 दिसंबर सन 2016 को रिलीज हुआ था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में पीटर्सबर्ग में एक आदमी पीएनसी पार्क में अलेगिंग नदी के पास एक पार्किंग गैराज में एक वैन चलाता है और मीटर की एक चौथाई गिरा देता है राइफल का उपयोग करते हुए वह गाड़ी चलाने से पहले लंबी दूरी से नदी के नॉर्थ तो सोर ट्रैक पर पांच लोगों को गोली मारता है और मार डालता है जासूस कैलविन इमर्शनल के नेतृत्व में पीटर्सबर्ग पुलिस को एक साल आवरण और पार्किंग के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टर मिला है सिक्के पर एक फिंगरप्रिंट संयुक्त से अमेरिका सेना के पूर्व स्थाई पर जेम्स बर का है जब पुलिस ने उसके घर छापा मारा तो उन्हें वह राइफल के एक बर बेहोश मिले इमर्शन और जिला अर्टानी इलेक्स रोडियल द्वारा पूछताछ के दौरान बर को पूर्ण या गारंटीकृत मौत की सजा के बदले जेल जेल में जीवन के बीच एक विकल्प की पेशकश की जाती है क्योंकि रोडिन ने कभी कोई केस नहीं हारा है इसके बजाय बर एक नोटपैड पर गेट ट्रैक रीचर लिखते हैं जैक रीचर एक आवारा और पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य से पुलिस स्कूल अन्वेषक और प्रमुख है वह बर के बारे में प्रकाशित प्रकाशितिक समाचार देखने के बाद पीटर्स बर्ग पहुँचता है इमर्शंस और रोडिन के सबूत देखने के जैक के अनुरोध को अस्वीकार कर लिया है लेकिन उसे बर्रे को देखने देने पर सहमत हुए हैं जिस पर साथी कैदियों ने हमला किया था और अब कोमा में है जेक पर के बचाव वकील हैलिन रोडिन एलेक्स रोडिन की बेटी से मिलता है वह उससे कहती है कि अगर वह उसका अनवेशक होगा तो वह सबूत देख सकता है लेकिन जैक के जवाब दिया और उसे बर को माँ साफ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है उन्होंने खुलासा किया कि बर इराक में अपनी ड्यूटी के दौरे के दौरान हथियारों को होड़ में लग गया था लेकिन उस पर मुकदमा नहीं चलाया गया क्योंकि बर को पता नहीं था कि उसके सैन्य ठेकेदार के पीड़ित हाल ही में कई महिलाओं पर हमला करने के बाद सप्ताह हाथ के ऊपर थे और अमेरिकी सेना बस यही चाहती थी सारा झंझट भूल गया जैक ने कसम खाई कि यदि बर ने दोबारा ऐसा किया या करने की कोशिश की तो वह उसे नीचे गिरा देगा वह इस बात की जांच करने के लिए सहमत होता है कि क्या हेलेन उस दिन मारे गए लोगों के बारे में जानने के लिए पीड़ित परिवारों के मिलने जाती है जैक अपराध स्थल पर जाता है और विसंगतियों प्रशिक्षित स्नाइपर के पास एक फोर्ट ड्यूकबेन ब्रिज पर एक वैन से गोली चलाई होगी एक स्पष्ट रूप से यादृशिक बार लड़ाई से जैक को एहसास होता है कि कोई उसे अपनी जा छोड़ने के लिए मजबूर करने का प्रयास कर रहा है जब हेलिन ने जैक को पीड़ितों के बारे में अपने निष्कर्ष बताए तो उसने सुझाव दिया कि स्थानीय निर्माण कंपनी आलोयन आर्चर का मालिक असली लक्ष्य था जबकि अन्य पीड़ितों ने कवरअप के रूप में कोई काम किया है बाद में जेक को उस युवती की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था जिसे विवाद को भड़काने के लिए भुगतान किया गया था जैक अंततः पूर्व यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्पस नगरी सर्चेट मार्टिन केस के स्वामित्व वाले पड़ोसी आहुयो के एक शूटिंग रेंज की तलाश में है असली अपराधी एक कुर निर्माण कंपनी के लिए काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व एक पूर्व सोवियत कैदी कर रहा है जिसे जैक चेलोवेक के नाम से जाना जाता है गिरोह के जासूस इमर्शन की सहायता से हेलेन का अपरण कर लिया उसे एक खदान के बंधक बना लिया है जैक का सामना करने से पहले जैक ने कैश को मदद के गुड़गे का आमर्शन में मार डाला है जैक बताते हैं कि जैक ने उन सभी को मार डाला है जो उसके खिलाफ गवाही दे सकते हैं और संदेह है कि दोषी ठहराया जाएगा जबकि यह भी कहा गया था कि साइबेरियो ने उसकी पिछली कैद की तुलना में अमेरिकी जेल आशंस होगी आश्वस्त होकर जैक ने उसके सिर में गोली मार दी है जब बरकुमा में जागता है तो वह हेलेन से कहता है कि उसे अपराध की कोई याद नहीं है लेकिन उसका मानना है कि वह दोषी होगा बर का मानसिक पुनर्निर्माण की उसने गोलीबारी कैसे की होगी जैक के सिद्धांत से मेल खाता है पश्चाताप करने वाला बर जिम्मेदारी और सजा दोनों स्वीकार करने को तैयार है हालांकि हेलेन को विश्वास है कि उसे बरी कर दिया जाएगा इसी बीच बस में बैठा जेक एक आदमी को एक युवा महिला को मौके को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हुए सुनता है उससे भिड़ने के लिए उठता है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में जैक टीचर्स के रूप में टॉम क्रूज हैं जो पूर्व संयुक्त राष्ट्रीय अमेरिका सैन्य पुलिस अन्वेषण और मेजर और आर्ट्रीफेक्टर है। रोडिर बुर के बचाव वकील और डी रोडिन की बेटी के रूप में मौसमन पाइक है जिला आर्टानी एलेक्स रोडिन के रूप में रिचर्ड जैकिंस जैक चिलोवेक के रूप में वर्नर हजोक हाँ है पिट्सबर्ग पुलिस जासूस कैलविक इमोसंस के रूप में डेविड ओलामू है चार्ली के रूप में जैक कॉर्पनी है जेम्स मार्क बर्क के रूप में जोसेफ शिकोरा एक पूर्व एक तरह से शना स्नाइपर की हत्याओं का मुख्य संदिग्ध है मार्टिन केस के रूप में रॉबर्ट डुवेल है एक पूर्व यूनाइटेड स्टेट मरीन कंप्रेसर सेकेंडरी संचीटोर आईयूबनटुक की दुकान के मालिक माइकल रेमंड जेम्स लिस्की के रूप में हैं जेब ऑलिवर के रूप में जोस हेलमिन है शेंडी के रूप में एलेक्सिया फॉर्स्टेड है रोप कैरियर के रूप में जेम्स मॉर्टिन कैली है नैन्सी होल्ड के रूप में निकोल फॉरेस्टर है विस्कले के रूप में स्कोटे मॉर्टिन है लेखक ली चाइल्ड की जैक लीचर उपन्यास श्रृंखला को एक फिल्म में रूपांतरित करने का प्रयास नाइनटीन की किलिंग फ्लॉर के चरित्र की शुरुआत के बाद किया गया है पॉलीग्राम के बाद में न्यूलैंड सिनेमा में कोई सफलता नहीं मिलने के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स और, और क्रूज फेगनर प्रोडक्शंस ने सन 2005 में फिल्म का अधिकार हासिल कर लिया है इसके बाद पटकथा लेखक जोस ऑल्शंस को चाइल्ड के सबसे हालिया उपन्यास को अनुकूलित करने के लिए काम पर रखा गया है रिचर्स सीरीज वं शोर दो तो हज़ार पाँच जुलाई सन दो हज़ार दस में क्रिस्टोफोर मैक्वेरी जिन्होंने पहले सन दो हजार आठ की फिल्म वालकिरी में क्रूज वेगनॉर प्रोडक्शंस के साथ सहयोग किया था वे ऑलसन के स्क्रिप्ट पर फिर से काम करने को अंतः फिल्म का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं जून सन 2011 में रैक जेक रिचर्स की भूमिका निभाने के लिए टॉम क्रूज से बातचीत चल रही थी अगले महीने क्रूज ने स्टूडियो के साथ एक सौदा किया था और उस भूमिका के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं उपन्यास श्रृंखला के कुछ प्रशंसक अभिनेता की ऊंचाई पाँच सात उपन्यास के रीचर्स की ऊंचाई छः पाँच की मेल खाने के कारण क्रूस की कॉस्टिंग पर मुखर हो गए हैं क्रॉस्टिंग निर्णय के बारे में बताते हुए लेखक ली चाइल्ड ने कहा कि विशाल रीचर की भूमिका निभाने के लिए किताब की भावना को स्क्रीन पर फिर से बनाने के लिए एक आयुक्त अभिनेता ढूंढना असंभव होगा और क्रूज के पास एक प्रभावी बनाने की प्रतिभा थी पहचानने वाला चाइल्ड ने यह कहा कि किताबों का रीचर का, का रूप है जिसे क्रूज अपने तरीके से चित्रित करता है क्रूज ने अपेक्षाकृत छोटे कद के बारे में चार्ल ने कहा कि किसी अन्य अभिनेता के साथ उसको हंड्रेड परसेंट रूचर मिल सकती है लेकिन जेक रीचर सन दो हजार बारह की एमरी एक्शन ट्रेलर फिल्म है जो क्रिस्टोफोर मैकेवरी द्वारा लिखित तो और निर्देशित है जिसमें टॉम क्रूज ने अभिनय किया है और यह ली चार ले सन दो के उपन्यास वन सोट पर आधारित है क्रूज के शीर्षक चरित्र को चित्रित किया है और शाहक कलाकारों में रोसमंड पाइक वर्नर हाजो रॉबर्ट डूवेल डेविड ओयोवो लीचर जेकिंग और जे क्रिटिनी शामिल हैं फिल्म का निर्माण अक्टूबर सन दो में शुरू हुआ है और जनवरी सन दो में पूरा हुआ है इसे पूरी तरह से पिटशरबग पेलवेंसिया के स्थान पर फिल्माया गया था संगीत इसको जो ग्रेमर द्वारा रचा गया था जो हॉलीवुड स्टूडियो सिंफनी द्वारा प्रस्तुत किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक हैं क्रिस्टोफर मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफॉर मैक्वेरी यह फिल्म ली चाइल्ड द्वारा एक शॉट पर आधारित है इस फिल्म को उत्पादित किया है टॉम क्रूज ने डॉन ग्रींजेस ने पाउला वेगनर ने लैरी लिविन सोहम ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है टॉम क्रूज रोशमन पाइक वर्नर हस रॉबर्ट डूवेल डेविड ओ रिचर्ड जेनकिंग्स किंग्स कर्टनी ने इस फिल्म में छायाकान किया है कोलेब डिस्नेल ने यह फिल्म संपादित है केविन स्टीट द्वारा इस फिल्म को संगीत दिया है जो क्रेवर द्वारा इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काई डॉन्स प्रोडक्शंस टीसी प्रोडक्शंस यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म रिलीज की रिलीज़ की तारीख 10 दिसंबर सन 2012 हज़ार बारह ऑडिशन लियोस्टेटस एक्वायर और 21 दिसंबर सन 2012 उत्तरी अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय 130 मिनट है यह संयुक्त राज्य से अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट रहा है 60 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई रही है दो मिलियन पूर्व अमेरिकी सेना सांसद जेक रिचर आमतौर पर संपर्क में आते हैं जो एक बड़े पैमाने पर गोलीबारी के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले एक प्रशिक्षित सैन्य स्नाइपर से जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है सैंडीहुक एलिमेंट्री स्कूल में गोलीबारी के बाद पेटर में फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग स्थगित कर दी गई थी फिल्म एक सप्ताह बाद इक्कीस दिसंबर सन दो को उत्तरी अमेरिका में रिलीज़ हुई जहां इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और एक बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है क्रूज के साथ जैक जैकीचर नोवर गो बैक नामक एक सीक्वल विकसित किया गया था जो सन दो के उपन्यास नेवर गो बैक पर आधारित था जो 21 दिसंबर सन दो को रिलीज हुआ था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में पीटर्सबर्ग में एक आदमी पीएनसी पार्क में अलेगिंग नदी के पास एक पार्किंग गैराज में एक वैन चलाता है और मीटर की एक चौथाई गिरा देता है राइफल का उपयोग करते हुए वह गाड़ी चलाने से पहले लंबी दूरी से नदी के नॉर्थ तो सोर ट्रैक पर पांच लोगों को गोली मारता है और मार डालता है जासूस कैलविन इमर्शनल के नेतृत्व में पीटर्सबर्ग पुलिस को एक साल आवरण और पार्किंग के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टर मिला है सिक्के पर एक फिंगरप्रिंट संयुक्त से अमेरिका सेना के पूर्व स्थाई पर जेम्स बर्ग का है जब पुलिस ने उसके घर छापा मारा तो उन्हें वह राइफल के एक बर्ग बेहोश मिले इमर्शन और जिला अर्टानी इलेक्स रूडियल द्वारा पूछताछ के दौरान बर्ग को पूर्ण या गारंटीकृत मौत की सजा के बदले जेल जेल में जीवन के बीच एक विकल्प की पेशकश की जाती है क्योंकि रोडिन ने कभी कोई केस नहीं हारा है इसके बजाय बर एक नोटपैड पर गेट ट्रैक रीचर लिखते हैं जैक रीचर एक आवारा और पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य से पुलिस स्कूल अन्वेषक और प्रमुख है वह बर के बारे में प्रकाशित एक समाचार देखने के बाद पीटर्सरबर्ग पहुंचता है इमर्शंस और रोडिन के सबूत देखने के जैक के अनुरोध को अस्वीकार कर लिया है लेकिन उसे बर्रे को देखने देने पर सहमत हुए हैं जिस पर साथी कैदियों ने हमला किया था और अब कोमा में है जैक पर के बचाव वकील हैलिन रोडिन एलेक्स रोडिन की बेटी से मिलता है वह उससे कहती है कि अगर वह उसका अनवेशक होगा तो वह सबूत देख सकता है लेकिन जैक के जवाब दिया और उसे बर को साफ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है उन्होंने खुलासा किया कि बर इराक में अपनी ड्यूटी के दौरे के दौरान हथियारों को होड़ में लग गया था लेकिन उस पर मुकदमा नहीं चलाया गया क्योंकि बर को पता नहीं था कि उसके सैन्य ठेकेदार के पीड़ित हाल ही में कई महिलाओं पर हमला करने के बाद सप्ताह हाथ के उपरे थे और अमेरिकी सेना बस यही चाहती थी सारा झंझट भूल गया जैक ने कसम खाई कि यदि बर ने दोबारा ऐसा किया या करने की कोशिश की तो वह उसे नीचे गिरा देगा वह इस बात की जांच करने के लिए सहमत होता है कि क्या हेलेन उस दिन मारे गए लोगों के बारे में जानने के लिए पीड़ित परिवारों के मिलने जाती है जेक अपराध स्थल पर जाता है और विसंगतियों पाता है। एक प्रशिक्षित स्नाइपर के पास एक फोर्ट ड्यूपेन ब्रिज पर एक वैन से गोली चलाई होगी एक स्पष्ट रूप से यादृशिक बार लड़ाई से जैक को एहसास होता है कि कोई उसे अपनी जा छोड़ने के लिए मजबूर करने का प्रयास कर रहा है जब हेलिन ने जैक को पीड़ितों के बारे में अपने निष्कर्ष बताए तो उसने सुझाव दिया कि स्थानीय निर्माण कंपनी आलोयन आर्चर का मालिक असली लक्ष्य था जबकि अन्य पीड़ितों ने कवरअप के रूप में कोई काम किया है बाद में जैक को उस युवती की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था जिसे विवाद को भड़काने के लिए भुगतान किया गया था जैक अंततः पूर्व यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्पस नगरी सचेट मार्टिन केस के स्वामित्व वाले पड़ोसी आहुहय के एक शूटिंग रेंज की तलाश में है असली अपराधी एक कुर निर्माण कंपनी के लिए काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व एक पूर्व सोवियत कैदी कर रहा है जिसे जैक चेलोवेक के नाम से जाना जाता है गिरोह के जासूस इमर्शन की सहायता से हेलेन का अपहरण कर लिया उसे एक खदान के बंधक बना लिया है जैक का सामना करने से पहले जैक ने कैश को मदद के गुड़गे का आमर्शन में मार डाला है जैक बताते हैं कि जैक ने उन सभी को मार डाला है जो उसके खिलाफ गवाही दे सकते हैं और संदेह है कि दोषी ठहराया जाएगा जबकि यह भी कहा गया था कि साइबेरियो ने उसकी पिछली कैद की तुलना में अमेरिकी जेल आशंस होगी आश्वस्त होकर जैक ने उसके सिर में गोली मार दी है जब बरकुआ में जागता है तो वह हेलेन से कहता है कि उसे अपराध की कोई याद नहीं है लेकिन उसका मानना है कि वह दोषी होगा बर का मानसिक पुनर्निर्माण की उसने गोलीबारी कैसे की होगी जैक के सिद्धांत से, से मेल खाता है पश्चाताप करने वाला बर जिम्मेदारी और सजा दोनों स्वीकार करने को तैयार है हालांकि हेलेन को विश्वास है कि उसे बरी कर दिया जाएगा इसी बीच बस में बैठा जैक एक आदमी को एक युवा महिला को मौके को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हुए सुनता है उससे भिड़ने के लिए उठता है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में जैक टीचर्स के रूप में टॉम क्रूज हैं जो पूर्व संयुक्त राष्ट्रीय अमेरिका सैन्य पुलिस अन्वेषण और मेजर और हैं। हैलन रोडिर बुर के बचाव वकील और डी रोडिन की बेटी के रूप में मौसमन पाइक है जिला आर्टानी एलेक्स रोडिन के रूप में रिचर्ड जैकिंस जैक चिलोवे के रूप में वर्नर हजोक हाँ है पिट्सबर्ग पुलिस जासूस कैलविक इवशंस के रूप में डेविड है, चार्ली के रूप में जैक जैकर्टनी है जेम्स मार्क बर्ग के रूप में जोसेफ शिकोरा एक पूर्व संयुक्त राज्य शैना स्नाइपर की हत्याओं का मुख्य संदिग्ध है मार्टिन केस के रूप में रॉबर्ट डुवेल है एक पूर्व यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉम्प्रेस संचिटोर आयो बंदूक की दुकान के मालिक माइकल रेमंड जेम्स लिस्की के रूप में है जेब ऑलिवर के रूप में जोस हेलमिन है शी के रूप में एलेक्सिया फॉर्स्टेड है रोप कैरियर के रूप में जेम्स मॉर्टिन कैली है नैन्सी हॉल्ट के रूप में निकोल फॉरेस्टर है विस्कले के रूप में स्कोटे मॉर्टिन है लेखक ली चाइल्ड की जैक लीचर उपन्यास श्रृंखला को एक फिल्म में रूपांतरित करने का प्रयास नाइनटीन नाइनटी सेवन के क्लिंग फ्लॉर के चरित्र की शुरुआत के बाद किया गया है पॉलीग्राम के बाद में न्यूलैंड सिनेमा में कोई सफलता नहीं मिलने के बाद पैरामाउल पिक्चर्स और, और क्रूज वेगनर प्रोडक्शंस ने सन 2005 में फिल्म का अधिकार हासिल कर लिया है इसके बाद पटकथा लेखक जोस ऑल्शंस को चाइल्ड के सबसे हालिया उपन्यास को अनुकूलित करने के लिए काम पर रखा गया है रिचर सीरीज वन शोर दो जुलाई सन दो में क्रिस्टोफोर मैक्वेरी जिन्होंने पहले सन दो की फिल्म वालकिरी में क्रूज वेगनॉर प्रोडक्शंस के साथ सहयोग किया था वे ऑल्सन के स्क्रिप्ट पर फिर से काम करने को फिल्म का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं जून सन दो में रैक जेक रिचर्स की भूमिका निभाने के लिए टॉम क्रूज से बातचीत चल रही थी अगले महीने क्रूज ने स्टूडियो के साथ एक सौदा किया था और उस भूमिका के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं उपन्यास श्रृंखला के कुछ प्रशंसक अभिनेता की ऊंचाई पाँच सात उपन्यास के रीचर की ऊंचाई छः पांच की मेल खाने के कारण क्रूज की कॉस्टिंग पर मुखर हो गए हैं क्रॉस्टिंग निर्णय के बारे में बताते हुए लेखक ली चाइल्ड ने कहा कि विशाल रीचर की भूमिका निभाने के लिए किताब की भावना को स्क्रीन पर फिर से बनाने के लिए एक आयुक्त अभिनेता ढूंढना असंभव होगा और क्रूज के पास एक प्रभावी बनाने की प्रतिभा थी पहचानने वाला चाइल्ड ने यह कहा कि किताबों का रीचर काकार एक आजीव शक्ति का रूप है जिसे क्रूज अपने तरीके से चित्रित करता है क्रूज ने अपेक्षाकृत छोटे कद के बारे में चार्ल ने कहा कि किसी अन्य अभिनेता के साथ उसको हंड्रेड परसेंट ऋचाई मिल सकती है लेकिन जैक रीचर सन दो हजार बारह की एमरी एक्शन ट्रेलर फिल्म है जो क्रिस्टोफोर मैकवरी द्वारा लिखित तो और निर्देशित है जिसमें टॉम क्रूज ने अभिनय किया है और यह है, ली चार्ले सन दो हज़ार के उपन्यास वन पर आधारित है क्रूज के शीर्षक चित्र को चित्रित किया है और शाह कलाकारों में रोसमंड पाइक वर्नर हाजो रॉबर्ट टूवेल, डेविड ओयोवो लीचर जेकिंग और जे क्रिटनी शामिल हैं। फिल्म का निर्माण अक्टूबर सन 2011 में शुरू हुआ है और जनवरी सन 2012 में पूरा हुआ है इसे पूरी तरह से पिटरबग पेलवेंसिया के स्थान पर फिल्माया गया था संगीत इसको जो ग्रेमर द्वारा रचा गया था जो हॉलीवुड स्टूडियो सिम्फनी द्वारा प्रस्तुत किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है क्रिस्टोफर मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफर मैक्वेरी नहीं है फिल्म ली चाइल्ड द्वारा एक शॉट पर आधारित है इस फिल्म को उत्पादित किया है टॉम क्रूज ने डॉन ग्रींजिस ने पाउला वेगनर ने लैरी लिविन सोहम ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है टॉम क्रूज रोशमन पाइक वर्नर हस रॉबर्ट डूवेल डेविड ओ रिचर्ड जेनकिंग्स किंग्स ने इस फिल्म में छायाकान किया है कोलेप डिस्नेल ने यह फिल्म संपादित है केविन स्टीट द्वारा इस फिल्म को संगीत दिया है जो क्रेमर द्वारा इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काई डॉन्स टीसी प्रोडक्शंस यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 दिसंबर सन दो हज़ार ऑडिशन ऑडिशन स्टेटस एक्वायर और 21 दिसंबर सन दो हज़ार उत्तरी अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय 130 मिनट है यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट रहा है 60 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई रही है दो मिलियन पूर्व अमेरिकी सेना सांसद जेक रिचर आमतौर पर संपर्क में आते हैं जो एक बड़े पैमाने पर गोलीबारी के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले एक प्रशिक्षित सैन्य स्नाइपर से जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है सैंडीहुक एलिमेंट्री स्कूल में गोलीबारी के बाद पेटर में फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग स्थगित कर दी गई थी फिल्म एक सप्ताह बाद 21 दिसंबर सन 2012 को उत्तरी अमेरिका में रिलीज़ हुई जहां इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और एक बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है क्रूज के साथ जैक जैकीचर नोवर गो बैक नामक एक सीक्वल विकसित किया गया था जो सन 2013 के उपन्यास नेवर गो बैक पर आधारित था जो 21 दिसंबर सन दो को रिलीज हुआ था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में पीटर्सबर्ग में एक आदमी पीएनसी पार्क में अलेगिंग पास एक पार्किंग में एक वैन चलाता है और मीटर चौथाई गिरा देता है राइफल का उपयोग करते हुए वह गाड़ी चलाने से पहले लंबी दूरी से नदी के नॉर्थ तो सोर ट्रैक पर पांच लोगों को गोली मारता है और मार डालता है जासूस कैलविन इमर्शनल के नेतृत्व में पीटर्सबर्ग पुलिस को एक साल आवरण और पार्किंग के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टर मिला है सिक्के पर एक फिंगरप्रिंट संयुक्त राष्ट्रीय अमेरिका सेना के पूर्व स्थाई पर जेम्स बर का है जब पुलिस ने उसके घर छापा मारा तो उन्हें वह राइफल के एक बर बेहोश मिले इमर्शन और जिला अर्टानी इलेक्स रोडियल द्वारा पूछताछ के दौरान बर को पूर्ण या गारंटीकृत मौत की सजा के बदले जेल जेल में जीवन के बीच एक विकल्प की पेशकश की जाती है क्योंकि रोडिन ने कभी कोई केस नहीं हारा है इसके बजाय बर एक नोटपैड पर गेट ट्रैक रीचर लिखते हैं जैक रीचर एक हमारा पूर से और पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस स्कूल अन्वेषक और प्रमुख है वह बर के बारे में प्रकाशित एक समाचार देखने के बाद पीटर्स पहुंचता है इमर्शंस और रोडिन के सबूत देखने के जैक के अनुरोध को अस्वीकार कर लिया है लेकिन उसे बर्रे को देखने देने पर सहमत हुए हैं जिस पर साथी कैदियों ने हमला किया था और अब कोमा में है जेक पर के बचाव वकील हैलिन रोडिन एलेक्स रोडिन की बेटी से मिलता है वह उससे कहती है कि अगर वह उसका अनवेशक होगा तो वह सबूत देख सकता है लेकिन जैक के जवाब दिया और उसे बर को साफ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है उन्होंने खुलासा किया कि बर इराक में अपनी ड्यूटी के दौरे के दौरान हथियारों को होड़ में लग गया था लेकिन उस पर मुकदमा नहीं चलाया गया क्योंकि बर को पता नहीं था कि उसके सैन्य ठेकेदार के पीड़ित हाल ही में कई महिलाओं पर हमला करने के बाद सप्ताह हाथ के ऊपर थे और अमेरिकी सेना बस यही चाहती थी सारा झंझट भूल गया जैक ने कसम खाई कि यदि बर ने दोबारा ऐसा किया या करने की कोशिश की तो वह उसे नीचे गिरा देगा वह इस बात की जांच करने के लिए सहमत होता है कि क्या हेलेन उस दिन मारे गए लोगों के बारे में जानने के लिए पीड़ित परिवारों के मिलने जाती है जैक अपराध स्थल पर जाता है और विसंगतियों पाता है। एक प्रशिक्षित स्नाइपर के पास के फोर्ट ड्यूपेन ब्रिज पर एक वैन से गोली चलाई होगी एक स्पष्ट रूप से यादृशिक बार लड़ाई से जैक को एहसास होता है कि कोई उसे अपनी जा छोड़ने के लिए मजबूर करने का प्रयास कर रहा है जब हेलिन ने जैक को पीड़ितों के बारे में अपने निष्कर्ष बताए तो उसने सुझाव दिया कि स्थानीय निर्माण कंपनी आलोयन आर्चर का मालिक असली लक्ष्य था जबकि अन्य पीड़ितों ने कवरअप के रूप में कोई काम किया है बाद में जैक को उस युवती की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था जिसे विवाद को भड़काने के लिए भुगतान किया गया था जैक अंततः पूर्व यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्पस नगरी सचेट मार्टिन केस के स्वामित्व वाले पड़ोसी आहुहय के एक शूटिंग रेंज की तलाश में है असली अपराधी एक कुर निर्माण कंपनी के लिए काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व एक पूर्व सोवियत कैदी कर रहा है जिसे जैक चेलोवेक के नाम से जाना जाता है गिरोह के जासूस इमर्शन की सहायता से हेलेन का अपहरण कर लिया उसे एक खदान के बंधक बना लिया है जैक का सामना करने से पहले जैक ने कैश को मदद के गुड़गे का आमर्शन में मार डाला है जैक बताते हैं कि जैक ने उन सभी को मार डाला है जो उसके खिलाफ गवाही दे सकते हैं और संदेह है कि दोषी ठहराया जाएगा जबकि यह भी कहा गया था कि साइबेरियो ने उसकी पिछली कैद की तुलना में अमेरिकी जेल आशंस होगी आश्वस्त होकर जैक ने उसके सिर में गोली मार दी है जब बर में जागता है तो वह हेलेन से कहता है कि उसे अपराध की कोई याद नहीं है लेकिन उसका मानना है कि वह दोषी होगा बर का मानसिक पुनर्निर्माण की उसने गोलीबारी कैसे की होगी जैक के सिद्धांत से, से मेल खाता है पश्चाताप करने वाला बर जिम्मेदारी और सजा दोनों स्वीकार करने को तैयार है हालांकि हेलेन को विश्वास है कि उसे बरी कर दिया जाएगा इसी बीच बस में बैठा जेक एक आदमी को एक युवा महिला को मौके को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हुए सुनता है उससे भिड़ने के लिए उठता है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में जैक टीचर्स के रूप में टॉम क्रूज हैं जो पूर्व संयुक्त राष्ट्रीय अमेरिका सैन्य पुलिस अन्वेषण और मेजर और आर्ट्रिफेक्टर हैलन रोडिर बुर के बचाव वकील और डी रोडिन की बेटी के रूप में मौसमन पाइक है जिला आर्टानी एलेक्स रोडिन के रूप में रिचर्ड जैकिस जैक चिलोवे के रूप में वर्नर हजोक हाँ है पिट्सबर्ग पुलिस जासूस कैल्विक इमरसेंस के रूप में डेविड ओयलाहो है चाली के रूप में जैक कॉर्टनी है जेम्स मार्क बर्ग के रूप में जोसेफ शिकोरा एक पूर्व संयुक्त राज्य से सेना स्नाइपर की हत्याओं का मुख्य संदिग्ध है मार्टिन केस के रूप में रॉबर्ट डुविल है एक पूर्व यूनाइटेड स्टेट मरीन कंप्रेसर्स गनरी संचिटोर आयो बंदूक की दुकान के मालिक माइकल रेमंड जेम्स लिस्की के रूप में है जेब ऑलिवर के रूप में जोस हेलमिन है शी के रूप में एलेक्सिया फॉर्स्टेड है रोप कैरियर के रूप में जेम्स मॉर्टिन कैली है नैन्सी होल्ट के रूप में निकोल फॉरेस्टर है विस्कले के रूप में स्कोटे मॉर्टिन है लेखक ली चाइल्ड की जेग लीचर उपन्यास श्रृंखला को एक फिल्म में रूपांतरित करने का प्रयास 1997 नाइन्टी के किलिंग फ्लोर के चरित्र की शुरुआत के बाद किया गया है पॉलीग्राम के बाद में न्यूलैंड सिनेमा में कोई सफलता नहीं मिलने के बाद पैरामाउट पिक्चर्स और क्लूज फेगनॉर प्रोडक्शंस ने सन 2005 में फिल्म का अधिकार हासिल कर लिया है इसके बाद पटकथा लेखक जोस ऑल्शंस को चाइल्ड के सबसे हालिया उपन्यास को अनुकूलित करने के लिए काम पर रखा गया है रिचर सीरीज वंश शो दो तो हज़ार पाँच जुलाई सन दो हज़ार दस में क्रिस्टोफोर मैक्वेरी जिन्होंने पहले सन दो हजार आठ की वालकैरी में क्रूज वेगनर प्रोडक्शंस के साथ सहयोग किया था वे ऑलसन के स्क्रिप्ट पर फिर से काम करने को अंततः फिल्म का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं जून सन दो में रैक जेक रिचर्स की भूमिका निभाने के लिए टॉम क्रूज से बातचीत चल रही थी अगले महीने क्रूज ने स्टूडियो के साथ एक सौदा किया था और उस भूमिका के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं उपन्यास श्रृंखला के कुछ प्रशंसक अभिनेता की ऊंचाई पाँच सात उपन्यास के रीचर की ऊंचाई छः पाँच की मेल खाने के कारण क्रूस की कॉस्टिंग पर मुखर हो गए हैं क्रॉस्टिंग निर्णय के बारे में बताते हुए लेखक ली चाइल्ड ने कहा कि विशाल रीचर की भूमिका निभाने के लिए किताब की भावना को स्क्रीन पर फिर से बनाने के लिए एक आयुक्त अभिनेता ढूंढना असंभव होगा और क्रूज के पास एक प्रभावी बनाने की प्रतिभा थी पहचानने वाला चाइल्ड ने यह कहा कि किताबों का रीचर काकार एक आजीव शक्ति का रूप है जिसे क्रूज अपने तरीके से चित्रित करता है क्रूज ने अपेक्षाकृत छोटे कद के बारे में चाइल ने कहा कि किसी अन्य अभिनेता के साथ उसको हंड्रेड परसेंट ऊंचाई मिल सकती है लेकिन जैक रीचर सन दो हजार बारह की एमरी एक्शन ट्रेलर फिल्म है जो क्रिस्टोफोर मैकेवरी द्वारा लिखित तो और निर्देशित है जिसमें टॉम क्रूज ने अभिनय किया है और यह है, ली चार सन दो के उपन्यास वन सोट पर आधारित है क्रूस के शीर्षक चित्र को चित्रित किया है और शाह कलाकारों में रोसमंड पाइक वर्नर हाजो रॉबर्ट टूवेल, डेविड ओयोवो लीचर जेकिंग और जे क्रिटनी शामिल हैं। फिल्म का निर्माण अक्टूबर सन दो में शुरू हुआ है और जनवरी सन दो में पूरा हुआ है इसे पूरी तरह से बग पेलवेंसिया के स्थान पर फिल्माया गया था संगीत इसको जो ग्रेमर द्वारा रचा गया था जो हॉलीवुड स्टूडियो सिम्फनी द्वारा प्रस्तुत किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक हैं क्रिस्टोफर मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफर मैक्वेरी नहीं है फिल्म ली चाइल्ड द्वारा एक शॉट पर आधारित है इस फिल्म को उत्पादित किया है टॉम क्रूज ने डॉन ग्रींजिस ने पाउला वेगनर ने लैरी लिविन सोहम ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है टॉम क्रूज रोशमन पाइक वर्नर हस रॉबर्ट डूवेल डेविड ओ रिचर्ड जेनकिंग्स किंग्स जैकर्टनी ने इस फिल्म में छायाकान किया है कोलेब डिसनेल ने यह फिल्म संपादित है केविन स्टीट द्वारा इस फिल्म को संगीत दिया है जो क्रेवर द्वारा इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काई डॉन्स प्रोडक्शंस टीसी प्रोडक्शंस यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म रिलीज की रिलीज़ की तारीख 10 दिसंबर सन दो हज़ार ऑडिशन ऑडिशन स्टेटस एक्वायर और 21 दिसंबर सन 2012 उत्तरी अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय 130 मिनट है यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट रहा है 60 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई रही है दो मिलियन पूर्व अमेरिकी सेना सांसद जेक रिचर और आमतौर पर संपर्क में आते हैं जो एक बड़े पैमाने पर गोलीबारी के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले एक प्रशिक्षित सैन्य स्नाइपर से जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है हुक एलिमेंट्री स्कूल में गोलीबारी के बाद पेटर में फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग स्थगित कर दी गई थी फिल्म एक सप्ताह बाद 21 दिसंबर सन 2012 को उत्तरी अमेरिका में रिलीज़ हुई जहां इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और एक बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है क्रूज के साथ जैक रिचर नोवर गो बैक नामक एक सीक्वल विकसित किया गया था जो सन 2013 के उपन्यास नेवर गो बैक पर आधारित था जो 21 दिसंबर सन दो को रिलीज हुआ था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में पीटर्सबर्ग में एक आदमी पीएनसी पार्क में अलेगिंग नदी के पास एक पार्किंग एरिया में एक वैन चलाता है और मीटर की एक चौथाई गिरा देता है राइफल का उपयोग करते हुए वह गाड़ी चलाने से पहले लंबी दूरी से नदी के नॉर्थ तो सोर ट्रैक पर पांच लोगों को गोली मारता है और मार डालता है जासूस कैलविन इमरसनल के नेतृत्व में पीटर्सबर्ग पुलिस को एक साल आवरण और पार्किंग के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टर मिला है सिक्के पर एक फिंगरप्रिंट संयुक्त से अमेरिका सेना के पूर्व स्थाई पर जेम्स बर का है जब पुलिस ने उसके घर छापा मारा तो उन्हें वहन राइफल के एक बर बेहोश मिले इमरशन और जिला अटार्नी इलेक्स रूडियल द्वारा पूछताछ के दौरान बर को पूर्ण विकारोक्तिया गारंटीकृत मौत की सजा के बदले जेल जेल में जीवन के बीच एक विकल्प की पेशकश की जाती है क्योंकि रोडिन ने कभी कोई केस नहीं हारा है इसके बजाय पर एक नोटपैड पर गेट रैक रीचर लिखते हैं जैक रीचर एक आवारा पूर से और पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस स्कूल अन्वेषक और प्रमुख है वह बर्ग के बारे में प्रकाशितिक समाचार देखने के बाद पीटसरबर्ग पहुंचता है इमोशंस और रोडिन के सबूत देखने के जैक के अनुरोध को अस्वीकार कर लिया है लेकिन उसे बर्रे को देखने देने पर सहमत हुए जिस पर साथी कैदियों ने हमला किया था और अब कोमा में है जैक पर के बचाव वकील हैलिन रोडिन एलेक्स रोडिन की बेटी से मिलता है वह उससे कहती है कि अगर वह उसका अनवेशक होगा तो वह सबूत देख सकता है लेकिन जैक के जवाब दिया और उसे बर को माँ साफ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है उन्होंने खुलासा किया कि बर इराक़ में अपनी ड्यूटी के दौरे के दौरान हथियारों को होड़ में लग गया था लेकिन उस पर मुकदमा नहीं चलाया गया क्योंकि बर को पता नहीं था कि उसके सैन्य ठेकेदार के पीड़ित हाल ही में कई महिलाओं पर हमला करने के बाद सप्ताह हाथ के उभरे थे और अमेरिकी सेना बस यही चाहती थी सारा झंझट भूल गया जैक ने कसम खाई कि यदि बर्ड ने दोबारा ऐसा किया या करने की कोशिश की तो वह उसे नीचे गिरा देगा वह इस बात की जांच करने के लिए सहमत होता है कि क्या हेलेन उस दिन मारे गए लोगों के बारे में जानने के लिए पीड़ित परिवारों के मिलने जाती है जैक अपराध स्थल पर जाता है और विसंगतियों पाता है एक प्रशिक्षित स्नाइपर के पास एक फोर्ट ड्यूपेन ब्रिज पर एक वैन से गोली चलाई होगी एक स्पष्ट रूप से यादृशिक बार लड़ाई से जैक को एहसास होता है कि कोई उसे अपनी जात छोड़ने के लिए मजबूर करने का प्रयास कर रहा है जब हेलिन ने जैक को पीड़ितों के बारे में अपने निष्कर्ष बताए तो उसने सुझाव दिया कि स्थानीय निर्माण कंपनी आलोयन आर्चर का मालिक असली लक्ष्य था जबकि अन्य पीड़ितों ने कवरअप के रूप में कोई काम किया है बाद में जैक को उस युवती की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था जिसे विवाद को भड़काने के लिए भुगतान किया गया था जैक अंततः पूर्व यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्पस नगरी सर्चेट मार्टिन के स्वामित्व वाले पड़ोसी आहुहय के एक शूटिंग रेंज की तलाश में है असली अपराधी एक कुर निर्माण कंपनी के लिए काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व एक पूर्व सोवियत कैदी कर रहा है जिसे जैक चेलोवेक के नाम से जाना जाता है गिरोह के जासूस इमर्शन की सहायता से हेलेन का अपहरण कर लिया उसे एक खदान के बंधक बना लिया है जैक का सामना करने से पहले जैक ने कैश को मदद के गुड़गे का आमर्शंस में मार डाला है जैक बताते हैं कि जैक ने उन सभी को मार डाला है जो उसके खिलाफ गवाही दे सकते हैं और संदेह है कि दोषी ठहराया जाएगा जबकि यह भी कहा गया था कि साइबेरियो ने उसकी पिछली कैद की तुलना में अमेरिकी जेल आशंस होगी आश्वस्त होकर जैक ने उसके सिर में गोली मार दी है जब बरकुआ में जागता है तो वह हेलेन से कहता है कि उसे अपराध की कोई याद नहीं है लेकिन उसका मानना है कि वह दोषी होगा बर का मानसिक पुनर्निर्माण की उसने गोलीबारी कैसे की होगी जैक के सिद्धांत से, से मेल खाता है पश्चाताप करने वाला बर जिम्मेदारी और सजा दोनों स्वीकार करने को तैयार है हालांकि हेलेन को विश्वास है कि उसे बरी कर दिया जाएगा इसी बीच बस में बैठा जेक एक आदमी को एक युवा महिला को मौके को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हुए सुनता है उससे भिड़ने के लिए उठता है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में जैक टीचर्स के रूप में टॉम क्रूज हैं जो पूर्व संयुक्त राष्ट्रीय अमेरिका सैन्य पुलिस अन्वेषण और मेजर और आट्रिफेक्टर है बुर के बचाव वकील और डी रोडिन की बेटी के रूप में मौसमन पाइक है जिला आर्टानी एलेक्स रोडिन के रूप में रिचर्ड जैकिंसन जैक चलोवे के रूप में वर्नर हजोग हाँ है पिट्सबर्ग पुलिस जासूस कैल्विक इमरसन्स के रूप में डेविड ओलावो है चार्ली के रूप में जैकर्टनी है जेम्स मार्कबर्ग के रूप में जोसेफ शिकोरा एक पूर्व संयुक्त राज्य सेना से स्नाइपर की हत्याओं का मुख्य संदिग्ध है मार्टिन केस के रूप में रॉबर्ट डुवेल है एक पूर्व यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉम्प्रेसरी आयो बंदूक की दुकान के मालिक माइकल रेमंड जेम्स लिस्की के रूप में है जेब ऑलिवर के रूप में जोस हेलमिन है श्री के रूप में एलेक्सिया फॉस्टेड है रोप कैरियर के रूप में जेम्स मॉर्टिन कैली है नैन्सी होल्ड के रूप में निकोल फॉरेस्टर है विस्कले के रूप में स्कोटे मॉर्टिन है लेखक ली चाइल्ड की जैक लीचर उपन्यास श्रृंखला को एक फिल्म में रूपांतरित करने का प्रयास 1997 नाइनटी सेवन के क्लिंग फ्लॉर के चरित्र की शुरुआत के बाद किया गया है पॉलीग्राम के बाद में न्यूलैंड सिनेमा में कोई सफलता नहीं मिलने के बाद पैरामाउट पिक्चर्स और, और क्रूज फेगनर प्रोडक्शंस ने सन 2005 में फिल्म का अधिकार हासिल कर लिया है इसके बाद पटकथा लेखक जोस ऑल्शंस को चाइल्ड के सबसे हालिया उपन्यास को अनुकूलित करने के लिए काम पर रखा गया है रिचर सीरीज वंस शो दो तो हज़ार पाँच जुलाई सन दो हज़ार दस में क्रिस्टोफोर मैक्वेरी जिन्होंने पहले सन दो हजार आठ की फिल्म वालकिरी में क्रूज वेगनॉर प्रोडक्शंस के साथ सहयोग किया था वे ऑल्सन के स्क्रिप्ट पर फिर से काम करने को अंतर फिल्म का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं जून सन दो में रैक जेक रिचर्स की भूमिका निभाने के लिए टॉम क्रूज से बातचीत चल रही थी अगले महीने क्रूज ने स्टूडियो के साथ एक सौदा किया था और उस भूमिका के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं उपन्यास श्रृंखला के कुछ प्रशंसक अभिनेता की ऊंचाई पाँच सात उपन्यास के रीचर्स की ऊंचाई छह पाँच की मेल खाने के कारण क्रूज की, क्रूस की पर मुखर हो गए हैं क्रॉस्टिंग निर्णय के बारे में बताते हुए लेखक ली चाइल्ड ने कहा कि विशाल रीचर की भूमिका निभाने के लिए किताब की भावना को स्क्रीन पर फिर से बनाने के लिए एक आयुक्त अभिनेता ढूंढना असंभव होगा और क्रूज के पास एक प्रभावी बनाने की प्रतिभा थी पहचानने वाला चाइल्ड ने यह कहा कि किताबों का रीचर का, का रूप है जिसे क्रूज अपने तरीके से चित्रित करता है क्रूज ने अपेक्षाकृत छोटे कद के बारे में चार ने कहा कि किसी अन्य अभिनेता के साथ उसको हंड्रेड परसेंट ऋचाई मिल सकती है लेकिन जैक रीचर सन दो हजार बारह की एमरी एक्शन ट्रिलर फिल्म है जो क्रिस्टोफोर मैकेवरी द्वारा लिखित और निर्देशित है जिसमें टॉम क्रूज ने अभिनय किया है और यह ली चार्ले सन दो के उपन्यास वन सोट पर आधारित है क्रूज के शीर्षक चरित्र को चित्रित किया है और शाह कलाकारों में रोसमंड पाइक वर्नर हाजो रॉबर्ट डूवेल डेविड ओयोवो लीचर जेकिंग और जे क्रिटनी शामिल हैं फिल्म का निर्माण अक्टूबर सन दो में शुरू हुआ है और जनवरी सन दो में पूरा हुआ है इसे पूरी तरह से पिटेशरब पेल्वेंसिया के स्थान पर फिल्माया गया था संगीत इसको जो ग्रेमर द्वारा रचा गया था जो हॉलीवुड स्टूडियो सिम्फनी द्वारा प्रस्तुत किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है क्रिस्टोफर मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफॉर मैक्वेरी नहीं है फिल्म ली चाइल्ड द्वारा एक शोट पर आधारित है इस फिल्म को उत्पादित किया है टॉम क्रूज ने डॉन ग्रिंजिस ने पाउला वेगनर ने लैरी लिविन सोहम ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है टॉम क्रूज रोशमन पाइक वर्नर हस रॉबर्ट डूवेल डेविड ओ रिचर्ड जैन किंग्स कर्टनी ने इस फिल्म में छायाकान किया है कोलेब डिसनेल ने यह फिल्म संपादित है केविन स्टीट द्वारा इस फिल्म को संगीत किया है जो क्रेवर द्वारा इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काई डॉन्स प्रोडक्शंस टीसी प्रोडक्शंस यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 दिसंबर सन 2012 हज़ार बारह ऑडिशन स्टेटस एक्वायर और 21 दिसंबर सन 2012 उत्तरी अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय 130 मिनट है यह संयुक्त राज्य से अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट रहा है 60 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई रही है दो मिलियन पूर्व अमेरिकी सेना सांसद जेक रिचर और आमतौर पर संपर्क में आते हैं जो एक बड़े पैमाने पर गोलीबारी के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले एक प्रशिक्षित सैन्य स्नाइपर से जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल में गोलीबारी के बाद पेटे में फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग स्थगित कर दी गई थी फिल्म एक सप्ताह बाद 21 दिसंबर सन 2012 को उत्तरी अमेरिका में रिलीज़ हुई जहां इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और एक बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है क्रूज के साथ जैक रिचर नोवर गो बैक नामक एक सीक्वल विकसित किया गया था जो सन दो के उपन्यास नेवर गो बैक पर आधारित था जो 21 दिसंबर सन दो को रिलीज हुआ था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में पीटर्सबर्ग में एक आदमी पीएनसी पार्क में के पास एक पार्किंग में एक वैन चलाता है और मीटर चौथाई गिरा देता है राइफल का उपयोग करते हुए वह गाड़ी चलाने से पहले लंबी दूरी से नदी के नॉर्थ तो सोर ट्रैक पर पांच लोगों को गोली मारता है और मार डालता है जासूस कैलविन इमशनल के नेतृत्व में पीटर्सबर्ग पुलिस को एक साल आवरण और पार्किंग के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टर मिला है सिक्के पर एक फिंगरप्रिंट संयुक्त से अमेरिका सेना के पूर्व स्थाई पर जेम्स बर का है जब पुलिस ने उसके घर छापा मारा तो उन्हें वह राइफल के एक बर बेहोश मिले इमर्शन और जिला अर्टानी इलेक्स रोडियल द्वारा पूछताछ के दौरान बर को पूर्ण या गारंटीकृत मौत की सजा के बदले जेल जेल में जीवन के बीच एक विकल्प की पेशकश की जाती है क्योंकि रोडिन ने कभी कोई केस नहीं हारा है इसके बजाय बर एक नोटपैड पर गेट ट्रैक रीचर लिखते हैं जैक रीचर एक आवारा और पूर्व अमेरिकी सेना से पुलिस स्कूल अन्वेषक और प्रमुख है वह बर के बारे में प्रकाशित एक समाचार देखने के बाद पीटर्स बर्ग पहुँचता है इमर्शंस और रोडिन के सबूत देखने के जैक के अनुरोध को अस्वीकार कर लिया है लेकिन उसे बर्रे को देखने देने पर सहमत हुए हैं जिस पर साथी कैदियों ने हमला किया था और अब कोमा में है जेक पर के बचाव वकील हैलिन रोडिन एलेक्स रोडिन की बेटी से मिलता है वह उससे कहती है कि अगर वह उसका अनवेषक होगा तो वह सबूत देख सकता है लेकिन जैक के जवाब दिया और उसे बर को माँ साफ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है उन्होंने खुलासा किया कि बर इराक में अपनी ड्यूटी के दौरे के दौरान हथियारों को होड़ में लग गया था लेकिन उस पर मुकदमा नहीं चलाया गया क्योंकि बर को पता नहीं था कि उसके सैन्य ठेकेदार के, के पीड़ित हाल ही में कई महिलाओं पर हमला करने के बाद सप्ताह हाथ के उपरे थे और अमेरिकी सेना बस यही चाहती थी सारा झंझट भूल गया जैक ने कसम खाई कि यदि बर्न ने दोबारा ऐसा किया या करने की कोशिश की तो वह उसे नीचे गिरा देगा वह इस बात की जांच करने के लिए सहमत होता है कि क्या हेलेन उस दिन मारे गए लोगों के बारे में जानने के लिए पीड़ित परिवारों के मिलने जाती है जैक अपराध स्थल पर जाता है और विसंगतियों पाता है एक प्रशिक्षित स्नाइपर के पास एक फोर्ट ड्यूपेन ब्रिज पर एक वैन से गोली चलाई होगी एक स्पष्ट रूप से यादृशिक बार लड़ाई से जैक को एहसास होता है कि कोई उसे अपनी जात छोड़ने के लिए मजबूर करने का प्रयास कर रहा है जब हेलिन ने जैक को पीड़ितों के बारे में अपने निष्कर्ष बताए तो उसने सुझाव दिया कि स्थानीय निर्माण कंपनी आलोयन आर्चर का मालिक असली लक्ष्य था जबकि अन्य पीड़ितों ने कवरअप के रूप में कोई काम किया है बाद में जैक को उस युवती की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था जिसे विवाद को भड़काने के लिए भुगतान किया गया था जैक अंततः पूर्व यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्पस नगरी सचेट मार्टिन के स्वामित्व वाले पड़ोसी आहुहय के एक शूटिंग रेंज की तलाश में है असली अपराधी एक कुर निर्माण कंपनी के लिए काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व एक पूर्व सोवियत कैदी कर रहा है जिसे जैक चेलोवेक के नाम से जाना जाता है गिरोह के जासूस इमर्शन की सहायता से हेलेन का अपहरण कर लिया उसे एक खदान के बंधक बना लिया है जैक का सामना करने से पहले जैक ने कैश को मदद के गुर्गे का आमर्शन में मार डाला है जैक बताते हैं कि जैक ने उन सभी को मार डाला है जो उसके खिलाफ गवाही दे सकते हैं और संदेह है कि दोषी ठहराया जाएगा जबकि यह भी कहा गया था कि साइबेरियो ने उसकी पिछली कैद की तुलना में अमेरिकी जेल आशंस होगी आश्रित होकर जैक ने उसके सिर में गोली मार दी है जब बरकुमा में जागता है तो वह हेलेन से कहता है कि उसे अपराध की कोई याद नहीं है लेकिन उसका मानना है कि वह दोषी होगा बर का मानसिक पुनर्निर्माण की उसने गोलीबारी कैसे की होगी जैक के सिद्धांत से मेल खाता है पश्चाताप करने वाला बर जिम्मेदारी और सजा दोनों स्वीकार करने को तैयार है हालांकि हेलेन को विश्वास है कि उसे बरी कर दिया जाएगा इसी बीच बस में बैठा जैक एक आदमी को एक युवा महिला को मौके को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हुए सुनता है उससे भिड़ने के लिए उठता है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में जैक टीचर्स के रूप में टॉम क्रूज हैं जो पूर्व संयुक्त हैं अमेरिका सैन्य पुलिस अन्वेषण और मेजर और हैं। हैलिन रोडिर बुर के बचाव वकील और डी रोडिन की बेटी के रूप में मौसमन पाइक है जिला आर्टानी एलेक्स रोडिन के रूप में रिचर्ड जैकिंस हैं जैक है। जेक के रूप में वर्नर हजोक हाँ है पुलिस जासूस डेड ओला के रूप में डेविड जैकर्टनी है जेम्स मार्कबर्ग के रूप में, में जोसेफ शिकोरा एक पूर्व संयुक्त राज्य सेना स्नाइपर की हत्याओं का मुख्य संदिग्ध है मार्टिन केस के रूप में रॉबर्ट डुविल है एक पूर्व यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉम्प्रेस कंड्रीसिटोर आयो बंदूक की दुकान के मालिक माइकल रेमन जेम्स लिस्की के रूप में है जेब ऑलिवर के रूप में जोस हेलमिन है श्री के रूप में एलेक्सिया फॉर्स्टेड है रोप कैरियर के रूप में जेम्स मॉर्टिन कैली है नैन्सी होल्ड के रूप में निकोल फॉरेस्टर है विस्कले के रूप में स्कोटे मॉर्टिन है लेखक ली चाइल्ड की जैक लीचर उपन्यास श्रृंखला को एक फिल्म में रूपांतरित करने का प्रयास नाइनटीन नाइनटी सेवन के क्लिंग फ्लॉर के चरित्र की शुरुआत के बाद किया गया है पॉलीग्राम के बाद में न्यूलैंड सिनेमा में कोई सफलता नहीं मिलने के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स और, और क्रूज फेगनर प्रोडक्शंस ने सन 2005 में फिल्म का अधिकार हासिल कर लिया है इसके बाद पटकथा लेखक जोस ऑल्शंस को चाइल्ड के सबसे हालिया उपन्यास को अनुकूलित करने के लिए काम पर रखा गया है रिचर सीरीज वंश शोर दो तो हज़ार पाँच जुलाई सन दो हज़ार दस में जिन्होंने पहले सन दो हजार आठ की फिल्म वालकैरी में क्रूज वेगनॉर प्रोडक्शंस के साथ सहयोग किया था वे ऑल्सन के स्क्रिप्ट पर फिर से काम करने को अंततः फिल्म का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं जून सन दो में रैक जेक रिचर्स की भूमिका निभाने के लिए टॉम क्रूज से बातचीत चल रही थी अगले महीने क्रूज ने स्टूडियो के साथ एक सौदा किया था और उस भूमिका के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं उपन्यास श्रृंखला के कुछ प्रशंसक अभिनेता की ऊंचाई पाँच सात उपन्यास के रीचर्स की ऊंचाई छः पाँच की मेल खाने के कारण क्रूज की कॉस्टिंग पर मुखर हो गए हैं क्रॉस्टिंग निर्णय के बारे में बताते हुए लेखक ली चाइल्ड ने कहा कि विशाल रीचर की भूमिका निभाने के लिए किताब की भावना को स्क्रीन पर फिर से बनाने के लिए एक आयुक्त अभिनेता ढूंढना असंभव होगा और क्रूज के पास एक प्रभावी बनाने की प्रतिभा थी पहचानने वाला चाइल्ड ने यह कहा कि किताबों का रीचर काकार एक आजीव शक्ति का रूप है जिसे क्रूज अपने तरीके से चित्रित करता है क्रूज ने अपेक्षाकृत छोटे कद के बारे में चार ने कहा कि किसी अन्य अभिनेता के साथ उसको हंड्रेड परसेंट रुचा मिल सकती है लेकिन जेक रीचर सन दो की एमरी एक्शन ट्रिलर फिल्म है जो क्रिस्टोफोर मैक्यवरी द्वारा लिखित तो और निर्देशित है जिसमें टॉम क्रूज ने अभिनय किया है और यह ली चार ले सन दो के उपन्यास वन सोट पर आधारित है क्रूज के शीर्षक चरित्र को चित्रित किया है और शाहक कलाकारों में रोसमंड पाइक वर्नर हाजोर रॉबर्ट डूवेल डेविड ओयोवो लीचर जेकिंग और जे क्रिटनी शामिल हैं फिल्म का निर्माण अक्टूबर सन दो में शुरू हुआ है और जनवरी सन दो में पूरा हुआ है इसे पूरी तरह से बग पेल्वेंसिया के स्थान पर फिल्माया गया था संगीत इसको जो ग्रेमर द्वारा रचा गया था जो हॉलीवुड स्टूडियो सिम्फनी द्वारा प्रस्तुत किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है क्रिस्टोफर मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने यह फिल्म ली चाइल्ड द्वारा एक शोट पर आधारित है इस फिल्म को उत्पादित किया है टॉम क्रूज ने डॉन ग्रीनजेस ने पाउला वेगनर ने लैरी लिविन सोहम ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है टॉम क्रूज रोशमन पाइक वर्नर हस रॉबर्ट डूवेल डेविड ओ रिचर्ड जेनकिंग्स किंग्स जैकर्टनी ने इस फिल्म में छायाकान किया है कोलेप डिस्नेल ने यह फिल्म संपादित है केविन स्टीट द्वारा इस फिल्म को संगीत दिया है जो क्रेमर द्वारा इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काई डॉन्स प्रोडक्शंस टीसी प्रोडक्शंस यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 दिसंबर सन 2012 हज़ार बारह ऑडिशन स्टेटस एक्वायर और 21 दिसंबर सन 2012 उत्तरी अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय 130 मिनट है यह संयुक्त तरह से अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट रहा है 60 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई रही है दो मिलियन पूर्व अमेरिकी सेना सांसद जेक रिचर आमतौर पर संपर्क में आते हैं जो एक बड़े पैमाने पर गोलीबारी के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले एक प्रशिक्षित सैन्य स्नाइपर से जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है सैंडीहुक एलिमेंट्री स्कूल में गोलीबारी के बाद पेटेशनबर्ग में फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग स्थगित कर दी गई थी फिल्म एक सप्ताह बाद इक्कीस दिसंबर सन दो हज़ार बारह को उत्तरी अमेरिका में रिलीज़ हुई जहां इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और एक बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है क्रूज के साथ जैक रिचर नोवर गो बैक नामक एक सीक्वल विकसित किया गया था जो सन दो हज़ार तेरह के उपन्यास नेवर गो बैक पर आधारित था जो इक्कीस दिसंबर सन दो हज़ार सोलह को रिलीज हुआ था चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में पीटर्सबर्ग में एक आदमी पीएनसी पार्क में अलेगिंग नदी के पास एक पार्किंग गैराज में एक वैन चलाता है और मीटर की एक चौथाई गिरा देता है राइफल का उपयोग करते हुए वह गाड़ी चलाने से पहले लंबी दूरी से नदी के नॉर्थ तो सोर ट्रैक पर पांच लोगों को गोली मारता है और मार डालता है जासूस कैलविन इमर्शनल के नेतृत्व में पीटर्सबर्ग पुलिस को एक साल आवरण और पार्किंग के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टर मिला है सिक्के पर एक फिंगरप्रिंट संयुक्त से अमेरिका सेना के पूर्व स्थाई पर जेम्स बर का है जब पुलिस ने उसके घर छापा मारा तो उन्हें वह राइफल के एक बर बेहोश मिले इमर्शन और जिला अर्टानी इलेक्स रोडियल द्वारा पूछताछ के दौरान बर को पूर्ण या गारंटीकृत मौत की सजा के बदले जेल जेल में जीवन के बीच एक विकल्प की पेशकश की जाती है क्योंकि रोडिन ने कभी कोई केस नहीं हारा है इसके बजाय बर् एक नोटपैड पर गेट ट्रैक रीचर लिखते हैं जैक रीचर एक आवारा और पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य से पुलिस स्कूल अन्वेषक और प्रमुख है वह बर के बारे में प्रकाशित प्रकाशितिक समाचार देखने के बाद पीटर्स बर्ग पहुँचता है इमर्शंस और रोडिन के सबूत देखने के जैक के अनुरोध को अस्वीकार कर लिया है लेकिन उसे बर्रे को देखने देने पर सहमत हुए हैं जिस पर साथी कैदियों ने हमला किया था और अब कोमा में है जेक पर के बचाव वकील हेलिन रोडिन एलेक्स रोडिन की बेटी से मिलता है वह उससे कहती है कि अगर वह उसका अनवेशक होगा तो वह सबूत देख सकता है लेकिन जेक के जवाब दिया और उसे बर को साफ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है उन्होंने खुलासा किया कि बर इराक में अपनी ड्यूटी के दौरे के दौरान हथियारों को होड़ में लग गया था लेकिन उस पर मुकदमा नहीं चलाया गया क्योंकि बर को पता नहीं था कि उसके सैन्य ठेकेदार के, के पीड़ित हाल ही में कई महिलाओं पर हमला करने के बाद सप्ताह हाथ के उभरे थे और अमेरिकी सेना बस यही चाहती थी सारा झंझट भूल गया जैक ने कसम खाई कि यदि बर्न ने दोबारा ऐसा किया या करने की कोशिश की तो वह उसे नीचे गिरा देगा वह इस बात की जांच करने के लिए सहमत होता है कि क्या हेलेन उस दिन मारे गए लोगों के बारे में जानने के लिए पीड़ित परिवारों के मिलने जाती है जैक अपराध स्थल पर जाता है और विसंगतियों पाता है एक प्रशिक्षित स्नाइपर के पास एक फोर्ट डिपे ब्रिज पर एक वैन से गोली चलाई होगी एक स्पष्ट रूप से यादृशिक बार लड़ाई से जैक को एहसास होता है कि कोई उसे अपनी जात छोड़ने के लिए मजबूर करने का प्रयास कर रहा है जब हेलिन ने जैक को पीड़ितों के बारे में अपने निष्कर्ष बताए तो उसने सुझाव दिया कि स्थानीय निर्माण कंपनी आलोयन आर्चर का मालिक असली लक्ष्य था जबकि अन्य पीड़ितों ने कवरअप के रूप में कोई काम किया है बाद में जैक को उस युवती की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था जिसे विवाद को भड़काने के लिए भुगतान किया गया था जैक अंततः पूर्व यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्पस नगरी सचेट मार्टिन के स्वामित्व वाले पड़ोसी आहुहय के एक शूटिंग रेंज की तलाश में है असली अपराधी एक कुर निर्माण कंपनी के लिए काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व एक पूर्व सोवियत कैदी कर रहा है जिसे जैक चेलोवेक के नाम से जाना जाता है गिरोह के जासूस इमर्शन की सहायता से हेलेन का अपहरण कर लिया उसे एक खदान के बंधक बना लिया है जैक का सामना करने से पहले जैक ने कैश को मदद के गुड़गे का आमर्शन में मार डाला है जैक बताते हैं कि जैक ने उन सभी को मार डाला है जो उसके खिलाफ गवाही दे सकते हैं और संदेह है कि दोषी ठहराया जाएगा जबकि यह भी कहा गया था कि साइबेरियो ने उसकी पिछली कैद की तुलना में अमेरिकी जेल आशंस होगी आश्वस्त होकर जैक ने उसके सिर में गोली मार दी है जब बरकुआ में जागता है तो वह हेलेन से कहता है कि उसे अपराध की कोई याद नहीं है लेकिन उसका मानना है कि वह दोषी होगा बर का मानसिक पुनर्निर्माण की उसने गोलीबारी कैसे की होगी जैक के सिद्धांत से मेल खाता है पश्चाताप करने वाला बर जिम्मेदारी और सजा दोनों स्वीकार करने को तैयार है हालांकि हेलेन को विश्वास है कि उसे बरी कर दिया जाएगा इसी बीच बस में बैठा जेक एक आदमी को एक युवा महिला को मौके को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हुए सुनता है उससे भिड़ने के लिए उठता है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में जैक टीचर्स के रूप में टॉम क्रूज हैं जो पूर्व संयुक्त राष्ट्रीय अमेरिका सैन्य पुलिस अन्वेषण और मेजर और आर्ट्रिफेक्टर हैलन रोडिर बुर के बचाव वकील और डी रोडिन की बेटी के रूप में मौसमन पाइक है जिला आर्टानी एलेक्स रोडिन के रूप में रिचर्ड जैकिंसन जैक चिलोवे के रूप में वर्नर हजोक हाँ है फिट्स फॉर पुलिस जासूस कैलविक इमोशंस के रूप में डेविड ओलाबू है चाली के रूप में जैक कॉर्पनी है जेम्स मार्क बर्कर के रूप में जोसेफ शिकोरा एक पूर्व एक तरह से स्नाइपर की हत्याओं का मुख्य संदिग्ध है मार्टिन केस के रूप में रॉबर्ट डुवेल है एक पूर्व यूनाइटेड स्टेट मरीन कंप्रेसर सेकेंडरी संचीटोर आयोबंतुक की दुकान के मालिक माइकल रेमंड जेम्स लिस्की के रूप में है जेब ऑलिवर के रूप में जोस हेलमिन है श्री के रूप में एलेक्सिया फॉर्स्टेड है रूप कैरियर के रूप में जेम्स मॉर्टिन कैली है नैंसी होल्ट के रूप में निकोल फॉरेस्टर है विस्कले के रूप में स्कोटे मॉर्टिन है लेखक ली चाइल्ड की जैक लीचर उपन्यास श्रृंखला को एक फिल्म में रूपांतरित करने का प्रयास नाइनटीन की किलिंग फ्लॉर के चरित्र की शुरुआत के बाद किया गया है पॉलीग्राम के बाद में न्यू लैंड सिनेमा में कोई सफलता नहीं मिलने के बाद पैरामाउल पिक्चर्स और क्रूज फेगनॉर प्रोडक्शंस ने सन 2005 में फिल्म का अधिकार हासिल कर लिया है इसके बाद पटकथा लेखक जोस ऑल्शंस को चाइल्ड के सबसे हालिया उपन्यास को अनुकूलित करने के लिए काम पर रखा गया है रिचर्स सीरीज वं शोर दो जुलाई सन में क्रिस्टोफोर मैक्वेरी जिन्होंने पहले सन दो की फिल्म वालकिरी में क्रूज वेगनॉर प्रोडक्शंस के साथ सहयोग किया था वे ऑलसन के स्क्रिप्ट पर फिर से काम करने को अंततः फिल्म का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं जून सन दो में रैक जेक रिचर्स की भूमिका निभाने के लिए टॉम क्रूज से बातचीत चल रही थी अगले महीने क्रूज ने स्टूडियो के साथ एक सौदा किया था और उस भूमिका के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं उपन्यास श्रृंखला के कुछ प्रशंसक अभिनेता की ऊंचाई पाँच सात उपन्यास के रीचर्स की ऊंचाई छः पाँच की मेल खाने के कारण क्रूज की कॉस्टिंग पर मुखर हो गए हैं क्रॉस्टिंग निर्णय के बारे में बताते हुए लेखक ली चैल ने कहा कि विशाल रीचर की भूमिका निभाने के लिए किताब की भावना को स्क्रीन पर फिर से बनाने के लिए एक आयुक्त अभिनेता ढूंढना असंभव होगा और क्रूज के पास एक प्रभावी बनाने की प्रतिभा थी पहचानने वाला चाइल्ड ने यह कहा कि किताबों का रीचर का आकार एक आजीव शक्ति का रूप है जिसे क्रूज अपने तरीके से चित्रित करता है क्रूज ने अपेक्षाकृत छोटे कद के बारे में चाइल्ड ने कहा कि किसी अन्य अभिनेता के साथ उसको हंड्रेड परसेंट रुचा मिल सकती है लेकिन जैक रीचर सन दो की एमरी एक्शन ट्रेलर फिल्म है जो क्रिस्टोफोर मैकेवरी द्वारा लिखित और निर्देशित है जिसमें टॉम क्रूज ने अभिनय किया है और यह ली चार ले सन दो के उपन्यास वन सोट पर आधारित है क्रूज के शीर्षक चरित्र को चित्रित किया है और शाह कलाकारों में रोसमंड पाइक वर्नर हाजो रॉबर्ट डूवेल डेविड ओयोवो लीचर जेकिंग और जे क्रिटिनी शामिल हैं फिल्म का निर्माण अक्टूबर सन दो में शुरू हुआ है और जनवरी सन दो में पूरा हुआ है इसे पूरी तरह से पिटरबग पेलवेंसिया के स्थान पर फिल्माया गया था संगीत इसको जो ग्रेमर द्वारा रचा गया था जो हॉलीवुड स्टूडियो सिंफनी द्वारा प्रस्तुत किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक हैं क्रिस्टोफर मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफॉर मैक्वेरी नहीं है फिल्म ली चाइल्ड द्वारा एक शॉट पर आधारित है इस फिल्म को उत्पादित किया है टॉम क्रूज ने डॉन ग्रींजेस ने पाउला वेगनर ने लैरी लिविन सोहम ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है टॉम क्रूज रोशमन पाइक वर्नर हस रॉबर्ट डूवेल डेविड ओ रिचर्ड जेनकिंग्स किंग्स जैकर्टनी ने इस फिल्म में छायाकान किया है कोलेब डिस्नेल ने यह फिल्म संपादित है केविन स्टीट द्वारा इस फिल्म को संगीत दिया है जो क्रेमर द्वारा इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काई डॉन्स टीसी प्रोडक्शंस। यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म रिलीज की रिलीज़ की तारीख 10 दिसंबर सन 2012 हज़ार बारह ऑडिशन स्टेटस एक्वायर और 21 दिसंबर सन 2012 उत्तरी अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय 130 मिनट है यह संयुक्त से अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट रहा है 60 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई रही है दो मिलियन पूर्व अमेरिकी सेना सांसद जेक रिचर आमतौर पर संपर्क में आते हैं जो एक बड़े पैमाने पर गोलीबारी के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले एक प्रशिक्षित सैन्य स्नाइपर से जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है सैंडीहुक एलिमेंट्री स्कूल में गोलीबारी के बाद पेटेशनबर्ग में फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग स्थगित कर दी गई थी फिल्म एक सप्ताह बाद इक्कीस दिसंबर सन दो को उत्तरी अमेरिका में रिलीज़ हुई जहां इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और एक बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है क्रूज़ के साथ जैक जैकीचर नोवर गो बैक नामक एक सीक्वल विकसित किया गया था जो सन दो के उपन्यास नेवर गो बैक पर आधारित था जो 21 दिसंबर सन दो को रिलीज हुआ था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में पीटर्सबर्ग में एक आदमी पीएनसी पार्क में अलेगिंग नदी के पास एक पार्किंग एराज में एक वैन चलाता है और मीटर की एक चौथाई गिरा देता है राइफल का उपयोग करते हुए वह गाड़ी चलाने से पहले लंबी दूरी से नदी के नॉर्थ तो सोर ट्रैक पर पांच लोगों को गोली मारता है और मार डालता है जासूस कैलविन इमर्शनल के नेतृत्व में पीटर्सबर्ग पुलिस को एक साल आवरण और पार्किंग के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टर मिला है सिक्के पर एक फिंगरप्रिंट संयुक्त से अमेरिका सेना के पूर्व स्थाई पर जेम्स बर्ग का है जब पुलिस ने उसके घर छापा मारा तो उन्हें वह राइफल के एक बर्ग बेहोश मिले इमर्शन और जिला अर्टानी इलेक्स रोडियल द्वारा पूछताछ के दौरान बर्ग को पूर्ण या गारंटीकृत मौत की सजा के बदले जेल जेल में जीवन के बीच एक विकल्प की पेशकश की जाती है क्योंकि रोडिन ने कभी कोई केस नहीं हारा है इसके बजाय बर् एक नोटपैड पर गेट ट्रैक रीचर लिखते हैं जैक रीचर एक हमारा और पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य से पुलिस स्कूल अन्वेषक और प्रमुख है वह बर के बारे में प्रकाशितिक समाचार देखने के बाद पीटर्स बर्ग पहुँचता है इमर्शंस और रोडिन के सबूत देखने के जैक के अनुरोध को अस्वीकार कर लिया है लेकिन उसी बर्रे को देखने देने पर सहमत हुए हैं जिस पर साथी कैदियों ने हमला किया था और अब कोमा में है जेक पर के बचाव वकील हैलिन रोडिन एलेक्स रोडिन की बेटी से मिलता है वह उससे कहती है कि अगर वह उसका अनवेशक होगा तो वह सबूत देख सकता है लेकिन जैक के जवाब दिया और उसे बर को साफ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है उन्होंने खुलासा किया कि बर इराक में अपनी ड्यूटी के दौरे के दौरान हथियारों को होड़ में लग गया था लेकिन उस पर मुकदमा नहीं चलाया गया क्योंकि बर को पता नहीं था कि उसके सैन्य ठेकेदार के, के पीड़ित हाल ही में कई महिलाओं पर हमला करने के बाद सप्ताह हाथ के ऊपरे थी और अमेरिकी सेना बस यही चाहती थी सारा झंझट भूल गया जैक ने कसम खाई कि यदि बर्न ने दोबारा ऐसा किया या करने की कोशिश की तो वह उसे नीचे गिरा देगा वह इस बात की जांच करने के लिए सहमत होते हैं कि क्या हेलेन उस दिन मारे गए लोगों के बारे में जानने के लिए पीड़ित परिवारों के मिलने जाती है जैक अपराध स्थल पर जाता है और विसंगतियों पाता है एक प्रशिक्षित स्नाइपर के पास एक फोर्ट ड्यूपेन ब्रिज पर एक वैन से गोली चलाई होगी एक स्पष्ट रूप से यादृशिक बार लड़ाई से जैक को एहसास होता है कि कोई उसे अपनी जात छोड़ने के लिए मजबूर करने का प्रयास कर रहा है जब हेलिन ने जैक को पीड़ितों के बारे में अपने निष्कर्ष बताए तो उसने सुझाव दिया कि स्थानीय निर्माण कंपनी आलोयन आर्चर का मालिक असली लक्ष्य था जबकि अन्य पीड़ितों ने कवरअप के रूप में कोई काम किया है बाद में जैक को उस युवती की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था जिसे विवाद को भड़काने के लिए भुगतान किया गया था जैक अंततः पूर्व यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्पस नगरी सचेत मार्टिन के स्वामित्व वाले पड़ोसी आहुहय के एक शूटिंग रेंज की तलाश में है असली अपराधी एक कुर निर्माण कंपनी के लिए काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व एक पूर्व सोवियत कैदी कर रहा है जिसे जैक चेलोवेक के नाम से जाना जाता है गिरो के जासूस इमर्शन की सहायता से हेलेन का कर लिया उसे एक खदान के बंधक बना लिया है जैक का सामना करने से पहले जैक ने कैश को मदद के गुड़गे का आमर्शंस में मार डाला है जैक बताते हैं कि जैक ने उन सभी को मार डाला है जो उसके खिलाफ गवाही दे सकते हैं और संदेह है कि दोषी ठहराया जाएगा जबकि यह भी कहा गया था कि साइबेरियो ने उसकी पिछली कैद की तुलना में अमेरिकी जेल आशंस होगी आश्वस्त होकर जैक ने उसके सिर में गोली मार दी है जब बरकुआ में जागता है तो वह हेलेन से कहता है कि उसे अपराध की कोई याद नहीं है लेकिन उसका मानना है कि वह दोषी होगा बर का मानसिक पुनर्निर्माण की उसने गोलीबारी कैसे की होगी जैक के सिद्धांत से मेल खाता है पश्चाताप करने वाला बर जिम्मेदारी और सजा दोनों स्वीकार करने को तैयार है हालांकि हेलेन को विश्वास है कि उसे बरी कर दिया जाएगा इसी बीच बस में बैठा जे के आदमी को एक युवा महिला को मौके को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हुए सुनता है उससे भिड़ने के लिए उठता है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में जैक टीचर्स के रूप में टॉम क्रूज हैं जो पूर्व संयुक्त राष्ट्रीय अमेरिका सैन्य पुलिस अन्वेषण और मेजर और आर्ट्रिफेक्टर हैलन है रोडिर बुर के बचाव वकील और डी रोडिन की बेटी के रूप में मौसमन पाइक है जिला आर्टानी एलेक्स रोडिन के रूप में रिचर्ड जैकिंसन जैक चिलोवे के रूप में वर्नर हजोक हाँ है पिट्सबर्ग पुलिस जासूस कैलविक के रूप में डेविड है, चाली के रूप में जैक जैकर्टनी है जेम्स मार्क बर्ग के रूप में जोसेफ शिकोरा एक पूर्व संयुक्त राज्य शैना स्नाइपर की हत्याओं का मुख्य संदिग्ध है मार्टिन केस के रूप में रॉबर्ट डुवेल है एक पूर्व यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉम्प्रेस कंड्रीटोर आयो बंदूक की दुकान के मालिक माइकल रेमंड जेम्स लिस्की के रूप में है जेब ऑलिवर के रूप में जोस हेलमिन है शी के रूप में एलेक्सिया फॉस्टेड है रोप कैरियर के रूप में जेम्स मॉर्टिन कैली है नैन्सी हॉल्ट के रूप में निकोल फॉरेस्टर है विस्कले के रूप में स्कोटे मॉर्टिन है लेखक ली चाइल्ड की जैक डीचर उपन्यास श्रृंखला को एक फिल्म में रूपांतरित करने का प्रयास नाइनटीन की किलिंग फ्लॉ के चरित्र की शुरुआत के बाद किया गया है पॉलीग्राम के बाद में न्यूलैंड सिनेमा में कोई सफलता नहीं मिलने के बाद पैराम पिक्चर्स और, और क्रूज फेगनर प्रोडक्शंस ने सन 2005 में फिल्म का अधिकार हासिल कर लिया है इसके बाद पटकथा लेखक जोस ऑल्शंस को चाइल्ड के सबसे हालिया उपन्यास को अनुकूलित करने के लिए काम पर रखा गया है रिचर सीरीज वंश शोर दो जुलाई सन 2010 में क्रिस्टोफोर मैक्वेरी जिन्होंने पहले सन दो की फिल्म वालकिरी में क्रूज वेगनॉर प्रोडक्शंस के साथ सहयोग किया था वे के पर फिर से काम करने को फिल्म का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं जून सन 2011 में रैक जेक रिचर्स की भूमिका निभाने के लिए टॉम क्रूज से बातचीत चल रही थी अगले महीने क्रूज ने स्टूडियो के साथ एक सौदा किया था और उस भूमिका के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं उपन्यास श्रृंखला के कुछ प्रशंसक अभिनेता की ऊंचाई पाँच सात उपन्यास के रीचर की ऊंचाई छः पांच की मेल खाने के कारण क्रूज पर मुखर हो गए हैं क्रॉस्टिंग निर्णय के बारे में बताते हुए लेखक ली चाइल्ड ने कहा कि विशाल रीचर की भूमिका निभाने के लिए किताब की भावना को स्क्रीन पर फिर से बनाने के लिए एक आयुक्त अभिनेता ढूंढना असंभव होगा और क्रूस के पास एक प्रभावी बनाने की प्रतिभा थी पहचानने वाला चाइल्ड ने यह कहा कि किताबों का रीचर काकार एक आजीव शक्ति का रूप है जिसे क्रूज अपने तरीके से चित्रित करता है क्रूज ने अपेक्षाकृत छोटे कद के बारे में चाल ने कहा कि किसी अन्य अभिनेता के साथ उसको हंड्रेड परसेंट ऋचाई मिल सकती है लेकिन जैक रीचर सन दो हजार बारह की एमरी एक्शन ट्रेलर फिल्म है जो क्रिस्टोफोर मैकेवरी द्वारा लिखित तो और निर्देशित है जिसमें टॉम क्रूज ने अभिनय किया है और यह ली चार ले सन दो के उपन्यास वन सोट पर आधारित है क्रूज के शीर्षक चरित्र को चित्रित किया है और शाहक कलाकारों में रोसमंड पाइक वर्नर हाजो रॉबर्ट डूवेल डेविड ओयोवो लीचर जेकिंग और जे क्रिटनी शामिल हैं फिल्म का निर्माण अक्टूबर सन दो में शुरू हुआ है और जनवरी सन दो में पूरा हुआ है इसे पूरी तरह से पिटरबग पेलवेंसिया के स्थान पर फिल्माया गया था संगीत इसको जो ग्रेमर द्वारा रचा गया था जो हॉलीवुड स्टूडियो सिंफनी द्वारा प्रस्तुत किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक हैं क्रिस्टोफर मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफॉर मैक्वेरी है फिल्म ली चाइल्ड द्वारा एक शॉट पर आधारित है इस फिल्म को उत्पादित किया है टॉम क्रूज ने डॉन ग्रींजिस ने पाउला वेगनर ने लैरी लिविन सोहम ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है टॉम क्रूज रोशमन पाइक वर्नर हस रॉबर्ट डूवेल डेविड ओ लवो रिचर्ड जेनकिंग्स किंग्स जैकनी ने इस फिल्म में छायाकान किया है कोलेब डिस्नेल ने यह फिल्म संपादित है केविन स्टीट द्वारा इस फिल्म को संगीत दिया है जो क्रेमर द्वारा इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काई डॉन्स टीसी प्रोडक्शंस यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म रिलीज की रिलीज़ की तारीख 10 दिसंबर सन 2012 हज़ार बारह ऑडिशन लियोस्टेट एक्वायर और 21 दिसंबर सन 2012 उत्तरी अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय एक सौ तीस मिनट है यह संयुक्त राज्य से अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट रहा है साठ मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई रही है दो सौ तीन मिलियन पूर्व अमेरिकी सेना सांसद जेक रिचर आमतौर पर संपर्क में आते हैं जो एक बड़े पैमाने पर गोलीबारी के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले एक प्रशिक्षित सैन्य स्नाइपर से जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल में गोलीबारी के बाद पेटर में फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग स्थगित कर दी गई थी फिल्म एक सप्ताह बाद 21 दिसंबर सन 2012 को उत्तरी अमेरिका में रिलीज़ हुई जहां इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और एक बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है क्रूज के साथ जैक रिचर नोवर गो बैक नामक एक सीक्वल विकसित किया गया था जो सन 2013 के उपन्यास नेवर गो बैक पर आधारित था जो 21 दिसंबर सन 2016 को रिलीज़ हुआ था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में पीटर्सबर्ग में एक आदमी पीएनसी पार्क में अलेगिंग नदी के पास एक पार्किंग एराज में एक वैन चलाता है और मीटर की एक चौथाई गिरा देता है राइफल का उपयोग करते हुए वह गाड़ी चलाने से पहले लंबी दूरी से नदी के नॉर्थ तो सोर ट्रैक पर पांच लोगों को गोली मारता है और मार डालता है जासूस कैलविन इमर्शनल के नेतृत्व में पीटर्सबर्ग पुलिस को एक साल आवरण और पार्किंग के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टर मिला है सिक्के पर एक फिंगरप्रिंट संयुक्त राष्ट्रीय अमेरिका सेना के पूर्व स्थाई पर जेम्स बर का है जब पुलिस ने उसके घर छापा मारा तो उन्हें वह राइफल के एक बर बेहोश मिले इमर्शन और जिला अर्टानी इलेक्स रोडियल द्वारा पूछताछ के दौरान बर को पूर्ण या गारंटीकृत मौत की सजा के बदले जेल जेल में जीवन के बीच एक विकल्प की पेशकश की जाती है क्योंकि रोडिन ने कभी कोई केस नहीं हारा है इसके बजाय बर एक नोटपैड पर गेट ट्रैक रिचर लिखते हैं जैक रिचर एक अवारा और पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य से पुलिस स्कूल अन्वेषक और प्रमुख है वह बर्ग के बारे में प्रकाशित एक समाचार देखने के बाद पीटसरबर्ग पहुंचता है इमर्शंस और रोडिन के सबूत देखने के जैक के अनुरोध को अस्वीकार कर लिया है लेकिन उसे बर्रे को देखने देने पर सहमत हुए हैं जिस पर साथी कैदियों ने हमला किया था और अब कोमा में है जेक पर के बचाव वकील हैलिन रोडिन एलेक्स रोडिन की बेटी से मिलता है वह उससे कहती है कि अगर वह उसका अनवेशक होगा तो वह सबूत देख सकता है लेकिन जैक के जवाब दिया और उसे बर को साफ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है उन्होंने खुलासा किया कि बर इराक में अपनी ड्यूटी के दौरे के दौरान हथियारों को होड़ में लग गया था लेकिन उस पर मुकदमा नहीं चलाया गया क्योंकि बर को पता नहीं था कि उसके सैन्य ठेकेदार के, के पीड़ित हाल ही में कई महिलाओं पर हमला करने के बाद सप्ताह हाथ के ऊपर थे और अमेरिकी सेना बस यही चाहती थी सारा झंझट भूल गया जैक ने कसम खाई कि यदि बर ने दोबारा ऐसा किया या करने की कोशिश की तो वह उसे नीचे गिरा देगा वह इस बात की जांच करने के लिए सहमत होता है कि क्या हेलेन उस दिन मारे गए लोगों के बारे में जानने के लिए पीड़ित परिवारों के मिलने जाती है जैक अपराध स्थल पर जाता है और विसंगतियों पाता है। एक प्रशिक्षित स्नाइपर के पास एक फोर्ट ड्यूपेन ब्रिज पर एक वैन से गोली चलाई होगी एक स्पष्ट रूप से यादृशिक बार लड़ाई से जैक को एहसास होता है कि कोई उसे अपनी जा छोड़ने के लिए मजबूर करने का प्रयास कर रहा है जब हेलिन ने जैक को पीड़ितों के बारे में अपने निष्कर्ष बताए तो उसने सुझाव दिया कि स्थानीय निर्माण कंपनी आलोयन आर्चर का मालिक असली लक्ष्य था जबकि अन्य पीड़ितों ने कवरअप के रूप में कोई काम किया है बाद में जैक को उस युवती की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था जिसे विवाद को भड़काने के लिए भुगतान किया गया था जैक अंततः पूर्व यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्पस नगरी सचेत मार्टिन केस स्वामित्व वाले पड़ोसी आहुहय के एक शूटिंग रेंज की तलाश में है असली अपराधी एक कुर निर्माण कंपनी के लिए काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व एक पूर्व सोवियत कैदी कर रहा है जिसे जैक चेलोवेक के नाम से जाना जाता है गिरोह के जासूस इमर्शन की सहायता से हेलेन का अपहरण कर लिया उसे एक खदान के बंधक बना लिया है जैक का सामना करने से पहले जैक ने कैश को मदद के गुड़गे का आमर्शंस में मार डाला है जैक बताते हैं कि जैक ने उन सभी को मार डाला है जो उसके खिलाफ गवाही दे सकते हैं और संदेह है कि दोषी ठहराया जाएगा जबकि यह भी कहा गया था कि साइबेरियो ने उसकी पिछली कैद की तुलना में अमेरिकी जेल आशंस होगी आश्रत होकर जैक ने उसके सिर में गोली मार दी है जब बरकुआ में जागता है तो वह हेलेन से कहता है कि उसे अपराध की कोई याद नहीं है लेकिन उसका मानना है कि वह दोषी होगा बर का मानसिक पुनर्निर्माण की उसने गोलीबारी कैसे की होगी जैक के सिद्धांत से, से मेल खाता है पश्चाताप करने वाला बर जिम्मेदारी और सजा दोनों स्वीकार करने को तैयार है हालांकि हेलेन को विश्वास है कि उसे बरी कर दिया जाएगा इसी बीच बस में बैठा जैक एक आदमी को एक युवा महिला को मौके को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हुए सुनता है उससे भिड़ने के लिए उठता है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में जैक टीचर्स के रूप में टॉम क्रूज हैं जो पूर्व संयुक्त राष्ट्रीय अमेरिका सैन्य पुलिस अन्वेषण और मेजर और आर्ट्रिफेक्टर हैलन है रोडिर बुर के बचाव वकील और डी रोडिन की बेटी के रूप में मौसमन पाइक है जिला आर्टानी एलेक्स रोडिन के रूप में रिचर्ड जैकिसन जैक चिलोवे के रूप में वर्नर हजोक हाँ है पिट्सबर्ग पुलिस जासूस कैल्विक इमरसेंस के रूप में डेविड ओयलावो है चाली के रूप में जैक कर्टनी है जेम्स मार्क बर्ग के रूप में जोसेफ शिकोरा एक पूर्व संयुक्त राज्य से सेना स्नाइपर की हत्याओं का मुख्य संदिग्ध है मार्टिन केस के रूप में रॉबर्ट डुविल है एक पूर्व यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉम्प्रेसर्स कनरी सनशीटोर आयो बंदूक की दुकान के मालिक माइकल रेमंड जेम्स लिस्की के रूप में है जेब ऑलिवर के रूप में जोस हेलमिन है श्री के रूप में एलेक्सिया फॉस्टेड है रूप कैरियर के रूप में जेम्स मॉर्टिन कैली है नैन्सी होल्ड के रूप में निकोल फॉरेस्टर है विस्कले के रूप में स्कोटे मॉर्टिन है लेखक ली चाइल्ड की जैक लीचर उपन्यास श्रृंखला को एक फिल्म में रूपांतरित करने का प्रयास नाइन्टीन नाइन्टी सेवन के किलिंग फ्लॉर के चरित्र की शुरुआत के बाद किया गया है पॉलीग्राम के बाद में न्यूलैंड सिनेमा में कोई सफलता नहीं मिलने के बाद पैरामाउट पिक्चर्स और, और क्रूज फेगनॉर प्रोडक्शंस ने सन 2005 में फिल्म का अधिकार हासिल कर लिया है इसके बाद पटकथा लेखक जोस ऑलशंस को चाइल्ड के सबसे हालिया उपन्यास को अनुकूलित करने के लिए काम पर रखा गया है रिचर सीरीज वंश शोर दो तो हजार पाँच जुलाई सन दो हज़ार दस में क्रिस्टोफोर मैक्वेरी जिन्होंने पहले सन दो हजार आठ की वालकिरी में क्रूज वेगनॉर प्रोडक्शंस के साथ सहयोग किया था वे ऑल्सन के स्क्रिप्ट पर फिर से काम करने को अंतर फिल्म का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं जून सन दो में रैक जेक रिचर्स की भूमिका निभाने के लिए टॉम क्रूज से बातचीत चल रही थी अगले महीने क्रूज ने स्टूडियो के साथ एक सौदा किया था और उस भूमिका के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं उपन्यास श्रृंखला के कुछ प्रशंसक अभिनेता की ऊंचाई पाँच सात उपन्यास के टीचर्स की ऊंचाई छः पाँच की मेल खाने के कारण क्रूस की कॉस्टिंग पर मुखर हो गए हैं क्रॉस्टिंग निर्णय के बारे में बताते हुए लेखक ली चाइल्ड ने कहा कि विशाल रीचर की भूमिका निभाने के लिए किताब की भावना को स्क्रीन पर फिर से बनाने के लिए एक आयुक्त अभिनेता ढूंढना असंभव होगा और क्रूज के पास एक प्रभावी बनाने की प्रतिभा थी पहचानने वाला चाइल्ड ने यह कहा कि किताबों का रीचर काकार एक आजीव शक्ति का रूप है जिसे क्रूज अपने तरीके से चित्रित करता है क्रूज ने अपेक्षाकृत छोटे कद के बारे में चार्ड ने कहा कि किसी अन्य अभिनेता के साथ उसको हंड्रेड परसेंट ऊंचाई मिल सकती है लेकिन जैक रीचर सन दो हजार बारह की एमरी एक्शन ट्रेलर फिल्म है जो क्रिस्टोफोर मैकेवली द्वारा लिखित तो और निर्देशित है जिसमें टॉम क्रूज ने अभिनय किया है और यह ली चार ले सन दो के उपन्यास वन सोट पर आधारित है क्रूज के शीर्षक चरित्र को चित्रित किया है और शाह कलाकारों में रोसमंड पाइक वर्नर हाजोर रॉबर्ट डूवेर डेविड ओयोवो लीचर जेकिंग और जे किटनी शामिल हैं फिल्म का निर्माण अक्टूबर सन दो में शुरू हुआ है और जनवरी सन दो में पूरा हुआ है इसे पूरी तरह से पिटरबग पेलवेंसिया के स्थान पर फिल्माया गया था संगीत इसको जो ग्रेमर द्वारा रचा गया था जो हॉलीवुड स्टूडियो सिम्फनी द्वारा प्रस्तुत किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है क्रिस्टोफर मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफर मैक्वेरी यह फिल्म ली चाइल्ड द्वारा एक शॉट पर आधारित है इस फिल्म को उत्पादित किया है टॉम क्रूज ने डॉन ग्रींजेस ने पाउला वेगनर ने लैरी लिविन सोहम ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है टॉम क्रूज रोशमन पाइक वर्नर हस रॉबर्ट डूवेल डेविड ओ रिचर्ड जेनकिंग्स जैक कर्टनी ने इस फिल्म में छायाकान किया है कोलेप डिस्नेल ने यह फिल्म संपादित है केविन स्टीट द्वारा इस फिल्म को संगीत किया है जो क्रेमर द्वारा इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काई डॉन्स प्रोडक्शंस टीसी प्रोडक्शंस यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म रिलीज की रिलीज़ की तारीख 10 दिसंबर सन 2012 हज़ार बारह ऑडिशन स्टेटस एक्वायर और 21 दिसंबर सन 2012 उत्तरी अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय 130 मिनट है यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का बजट रहा है 60 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई रही है दो मिलियन पूर्व अमेरिकी सेना सांसद जेक रिचर और आमतौर पर संपर्क में आते हैं जो एक बड़े पैमाने पर गोलीबारी के लिए ज़िम्मेदार माने जाने वाले एक प्रशिक्षित सैन्य स्नाइपर से जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है हुक एलिमेंट्री स्कूल में गोलीबारी के बाद पेटर में फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग स्थगित कर दी गई थी फिल्म एक सप्ताह बाद 21 दिसंबर सन 2012 को उत्तरी अमेरिका में रिलीज हुई जहां इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और एक बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है क्रूज के साथ जैक रिचर नोवर गो बैक नामक एक सीक्वल विकसित किया गया था जो सन दो के उपन्यास नेवर गो बैक पर आधारित था जो 21 दिसंबर सन दो को रिलीज हुआ था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में पीटर्सबर्ग में एक आदमी पीएनसी पार्क में के पास एक पार्किंग में एक वैन चलाता है और मीटर चौथाई गिरा देता है राइफल का उपयोग करते हुए वह गाड़ी चलाने से पहले लंबी दूरी से नदी के नॉर्थ तो सोर ट्रैक पर पांच लोगों को गोली मारता है और मार डालता है जासूस कैलविन इमर्शनल के नेतृत्व में पीटर्सबर्ग पुलिस को एक साल आवरण और पार्किंग के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टर मिला है सिक्के पर एक फिंगरप्रिंट संयुक्त से अमेरिका सेना के पूर्व स्थाई पर जेम्स बर का है जब पुलिस ने उसके घर छापा मारा तो उन्हें वह राइफल के एक बर बेहोश मिले इमर्शन और जिला अर्टानी इलेक्स रूडियल द्वारा पूछताछ के दौरान बर को पूर्ण या गारंटीकृत मौत की सजा के बदले जेल जेल में जीवन के बीच एक विकल्प की पेशकश की जाती है क्योंकि रोडिन ने कभी कोई केस नहीं हारा है इसके बजाय बर एक नोटपैड पर गेट ट्रैक रीचर लिखते हैं जैक रीचर एक आवारा और पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस स्कूल अन्वेषक और प्रमुख है वह बर् के बारे में प्रकाशित एक समाचार देखने के बाद पीटसरबर्ग पहुंचता है इमर्शंस और रोडिन के सबूत देखने के जैक के अनुरोध को अस्वीकार कर लिया है लेकिन उसे बर्रे को देखने देने पर सहमत हुए हैं जिस पर साथी कैदियों ने हमला किया था और अब कोमा में है जैक पर के बचाव वकील हैलिन रोडिन एलेक्स रोडिन की बेटी से मिलता है वह उससे कहती है कि अगर वह उसका अनवेषक होगा तो वह सबूत देख सकता है लेकिन जैक के जवाब दिया और उसे बर को माँ साफ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है उन्होंने खुलासा किया कि बर इराक में अपनी ड्यूटी के दौरे के दौरान हथियारों को होड़ में लग गया था लेकिन उस पर मुकदमा नहीं चलाया गया क्योंकि बर को पता नहीं था कि उसके सैन्य ठेकेदार के, के पीड़ित हाल ही में कई महिलाओं पर हमला करने के बाद सप्ताह हाथ के ऊपर थे और अमेरिकी सेना बस यही चाहती थी सारा झंझट भूल गया जैक ने कसम खाए कि यदि बर ने दोबारा ऐसा किया या करने की कोशिश की तो वह उसे नीचे गिरा देगा वह इस बात की जांच करने के लिए सहमत होते हैं कि क्या हेलेन उस दिन मारे गए लोगों के बारे में जानने के लिए पीड़ित परिवारों के मिलने जाती है जैक अपराध स्थल पर जाता है और विसंगतियों पाता है एक प्रशिक्षित स्नाइपर के पास एक फोर्ट डिपे ब्रिज पर एक वैन से गोली चलाई होगी एक स्पष्ट रूप से यादृशिक बार लड़ाई से जैक को एहसास होता है कि कोई उसे अपनी जा छोड़ने के लिए मजबूर करने का प्रयास कर रहा है जब हेलिन ने जैक को पीड़ितों के बारे में अपने निष्कर्ष बताए तो उसने सुझाव दिया कि स्थानीय निर्माण कंपनी आलोयन आर्चर का मालिक असली लक्ष्य था जबकि अन्य पीड़ितों ने कवरअप के रूप में कोई काम किया है बाद में जैक को उस युवती की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था जिसे विवाद को भड़काने के लिए भुगतान किया गया था जैक अंततः पूर्व यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्पस नगरी सचेट मार्टिन कैस के स्वामित्व वाले पड़ोसी आहुहयोग के एक शूटिंग रेंज की तलाश में है असली अपराधी एक कुर निर्माण कंपनी के लिए काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व एक पूर्व सोवियत कैदी कर रहा है जिसे जैक चेलोवेक के नाम से जाना जाता है गिरोह के जासूस इमर्शन की सहायता से हेलेन का अपरण कर लिया उसे एक खदान के बंधक बना लिया है जैक का सामना करने से पहले जैक ने कैश को मदद के गुड़गे का आमर्शन में मार डाला है जैक बताते हैं कि जैक ने उन सभी को मार डाला है जो उसके खिलाफ गवाही दे सकते हैं और संदेह है कि दोषी ठहराया जाएगा जबकि यह भी कहा गया था कि साइबेरियो ने उसकी पिछली कैद की तुलना में अमेरिकी जेल आशंस होगी आश्रित होकर जैक ने उसके सिर में गोली मार दी है जब बर में जागता है तो वह हेलेन से कहता है कि उसे अपराध की कोई याद नहीं है लेकिन उसका मानना है कि वह दोषी होगा बर का मानसिक पुनर्निर्माण की उसने गोलीबारी कैसे की होगी जैक सिद्धांत से मेल खाता है पश्चाताप करने वाला बर जिम्मेदारी और सजा दोनों स्वीकार करने को तैयार है हालांकि हेलेन को विश्वास है कि उसे बरी कर दिया जाएगा इसी बीच बस में बैठा जेक एक आदमी को एक युवा महिला को मौके को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हुए सुनता है उससे भिड़ने के लिए उठता है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में जैक टीचर्स के रूप में टॉम क्रूज हैं जो पूर्व संयुक्त राष्ट्रीय अमेरिका सैन्य पुलिस अन्वेषण और मेजर और आर्ट्रिफेक्टर रोडिर बुर के बचाव वकील और डी रोडिन की बेटी के रूप में मौसमन पाइक है जिला आर्टानी एलेक्स रोडिन के रूप में रिचर्ड जैकिंसन जैक चलोवे के रूप में वर्नर हजोक हाँ है पिट्सबर्ग पुलिस जासूस कैलविक इमरसन्स के रूप में डेविड ओलावो है चार्ली के रूप में जैकर्टनी है जेम्स मार्कबर्ग के रूप में जोसेफ शिकोरा एक पूर्व संयुक्त राज्य सेना स्नाइपर की हत्याओं का मुख्य संदिग्ध है मार्टिन केस के रूप में रॉबर्ट डुवेल है एक पूर्व यूनाइटेड स्टेट